दोस्तों आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, आभार। दोस्तों मैं हूं मनीष विदानी, मैं हूं आज का आपका होस्ट और दोस्त। आप सबको मेरी तरफ से प्रणाम, आपका अभिनंदन, वन्नकम, नमस्कार, केम शो, कैसे हैं आप? दोस्तों मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आज आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें इस सेशन में ज्वाइन किया। आप सबका मैं आभारी हूं, हार्दिक रूप से आपका स्वागत करना चाहता हूं आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है स्टूडियो आउटलुक। स्टूडियो आउटलुक यानी आपका दृष्टिकोण, आपका दृष्टिकोण यानी जीवन और जगत के लिए हमारी मनोवृत्ति और भावना। दोस्तों आज का ये कार्यक्रम है नेक्स्ट जनरेशन पे, नेक्स्ट जनरेशन के बिजनेस पे, और मैं इस आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगा पूरे रोमांच के साथ। और दोस्तों आपका, आपको मैं वादा करता हूं कि आगे का ये जो कार्यक्रम है बड़ा ही रोमांचक होने वाला है। बने रहिएगा दोस्तों हमारे साथ। दोस्तों आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे एक स्टोरी के साथ, एक कहानी के साथ, और आप देख पा रहे हैं ये कहानी है दो महान व्यक्तियों की, विश्वविख्यात, प्रख्यात और विद्वान मिस्टर रिच डेवोस और मिस्टर जे वैन एंडल, जो एमवे के फाउंडर्स थे। ये एक इतिहास है व्यवसाय का, एंटरप्रेन्योरशिप का। दोस्तों मिस्टर रिच डेवोस और जे वैन एंडल ये दोनों काफी घनिष्ठ मित्र थे। इन दोनों का एक ही लक्ष्य था, एक ही महत्वाकांक्षा थी, और ये दोनों दोस्त बने हाई स्कूल में, और वो हाई स्कूल था एक शहर में जिसका नाम था ग्रैंड रैपिड्स। ग्रैंड रैपिड्स एक शहर है दोस्तों, किस राज्य में? मिशिगन। मिशिगन आता है यूनाइटेड स्टेट्स में। दोस्तों मिस्टर रिच डेवोस और जे वैन एंडल, इन दोनों को ये नहीं पता था कि उनकी जो व्यक्तिगत जिंदगी होगी इतनी जुड़ जाएगी कि वो एक ही साथ काम करके व्यवसाय के लैंडस्केप को बदल देंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मिस्टर रिच डेवोस की, जिनका जन्म हुआ था 1926 में एक छोटे से टाउन में, मिशिगन के एक छोटे से टाउन में जिसका नाम था एडा। वो उन्होंने अपनी पढ़ाई की क्रिश्चियन हाई स्कूल से, जहां पे उनकी मुलाकात हुई अपने दोस्त से मिस्टर जे वैन एंडल से। दोस्तों मिस्टर रिच डेवोस ने अपनी पढ़ाई पूरी की कैल्विन कॉलेज से, और उसके बाद उन्होंने काम किया यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी एयरफोर्स में 1944 से लेकर 1946। दोस्तों मिस्टर जे वैन एंडल, जिनका जन्म हुआ था 1924 में ग्रैंड रैपिड्स मिशिगन में, उन्होंने भी उसी स्कूल से पढ़ाई की थी जहां पे थे, जहां पढ़ रहे थे मिस्टर रिच डेवोस। स्कूल का नाम था क्रिश्चियन हाई स्कूल, जहां पे उनकी अपने दोस्त से मुलाकात हुई। इन्होंने भी कैल्विन कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की, और ये भी यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी में एक एयरफोर्स ऑफिसर की तरह काम किए थे 1942 से लेके 1945। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, आप देख पा रहे हैं जे और री कॉप के नाम से मिस्टर जे वैन एंडल और मिस्टर रिच डेवोस ने एक छोटा सा वेंचर शुरू किया था। वो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर थे एक छोटे से स्मॉल सप्लीमेंट कंपनी के, जिसका नाम था न्यूक्लाइड, जो आज दुनिया की नंबर वन विटामिन्स डाइटरी सप्लीमेंट सेलिंग ब्रांड है। दोस्तों न्यूमरस वेंचर्स यानी बिजनेसेस काफी करने के बाद फाइनली मिस्टर रिच डेवोस और मिस्टर जे वैन एंडल ने अपने घर के बेसमेंट में इस बिजनेस की शुरुआत की, और निर्माण हुआ एमवे का, उन्होंने बनाया एमवे। दोस्तों मिस्टर रिच डेवोस और मिस्टर जे वैन एंडल के जाने के बाद उनके सुपुत्र मिस्टर डग डेवोस और मिस्टर स्टीव एंडल, उन्होंने एमवे बिजनेस को आगे बढ़ाया। दूसरी पीढ़ी ने एमवे बिजनेस को आगे बढ़ाया, और आज दोस्तों इतिहास गवाह है, एमवे को आज परिचय की जरूरत नहीं है। एमवे आज है दुनिया का नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। दोस्तों ये बिजनेस आज किस पे बिल्ड होता है? विश्वास पे। आज एमवे के हेरिटेज की बात करें तो बहुत ही रिच हिस्ट्री है व्यवसाय की, एंटरप्रेन्योरशिप की, और एक ही उद्देश्य है कि लोगों की मदद करें, जिससे लोग इस बिजनेस में सक्सेस की ऊंचाइयों को हासिल करें। दोस्तों आज एमवे ग्लोबली उपस्थित है, भारत में, रशिया में, यूरोप में, कनाडा में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, हर जगह 450 से ज्यादा ग्लोबल प्रोडक्ट हैं अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे कि सबसे पहले न्यूट्रिशन और वेलनेस, ब्यूटी, पर्सनल केयर, होम केयर, ड्यूरेबल्स। तो दोस्तों इसी कहानी के साथ आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा हमारे को होस्ट और दोस्त मिस्टर अरिजीत सोम को। अरिजीत जी, ओवर टू यू सर।
Right. So good evening, everybody, and a very welcome to this session here today. Yeah. Hello. Right. So a very good evening to all of you here, and आप सभी का स्वागत है इस खास प्रोग्राम स्टूडियो आउटलुक में आपका दृष्टिकोण. और ये एक हमारी पहल है कि यू नो आपके सामने हम डिस्ट्रीब्यूटर हमारे लीडर्स जो है उनका दृष्टिकोण ला सके. और इस महीने का जो हमारा यू नो थीम है वो है नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस का. हमें मालूम है कि बिजनेस भारत में जो आया 20 साल पहले आया, 20 साल से ऊपर हो गया इनफैक्ट. और आज ऐसा समय आया कि उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है इस बिजनेस को बिल्ड करी है. तो आज हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिनके आप सुनेंगे, हमारे जो पैनलिस्ट है आज यहाँ पे उनसे आप सुनेंगे बेसिकली आज यहाँ पे. और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बट चार आज स्पीकर्स हैं जिनके आप आज यहाँ पे सुनने वाले. तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले स्पीकर के बारे में. हमारे जो पहले स्पीकर है उन्होंने इस बिजनेस को शुरुआत की थी 18 अप्रैल 2001 को. वो सिल्वर गए 2002 को, गोल्ड गए 2003, प्लैटिनम गए 2004, एमरल्ड गए 2006, डायमंड गए 2009 और ईडीसी गए 2017 में. सो यस, मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन एग्जीक्यूटिव डायमंड प्रवीण एंड मीनाक्षी पटेलिया. सो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवीण भाई. सो ही इज देयर. वेलकम प्रवीण भाई टू द सेशन हियर टुडे. और मैं थोड़ा बहुत उनके पैशन के बारे में बता दूं तो वेल प्रवीण भाई कहते हैं कि उन्हें ड्राइविंग बहुत पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है और वो बहुत बड़े नेचर लवर है बेसिकली. सो दैट वाज अबाउट प्रवीण भाई. और जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में कि साथ में उनके बेटे भी यहाँ पे हैं जो इस बिजनेस को बहुत बढ़िया तरीके से बिल्ड कर रहे हैं. हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ मंथन पटेलिया के बारे में. मंथन ने इस बिजनेस की शुरुआत की थी जब उनकी उम्र सिर्फ 18 साल की थी. इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ उसके पहले उन्होंने शुरुआत कर दी थी. और जैसे 18 साल हुई तो उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया. 19 साल की उम्र में वो चले गए प्लैटिनम और 22 साल की उम्र में वो गए फाउंडर प्लैटिनम. मंथन इज अ ट्रैवल फ्रीक टोटली. वो फिटनेस फिट रहना पसंद करते हैं. ही इज ऑल्सो टेक्नोफाइल. सो यू नो नई नई चीजों ट्राई करने की बहुत अच्छी पसंद करते हैं. एंड ही लव्स डांसिंग. एंड आई हैव वन फॉर्चुनेट टाइम जो हम साथ में डांस किए थे. आई ऑलवेज रिमेम्बर दैट पार्ट. उनका कहना है कि वो डायमंड जाएंगे एंड दे ही हैज अ प्लान टू गो डायमंड बाय 2000 बाय द एज ऑफ 25. दैट इज अ वेरी यंग एज टू गो डायमंड. एंड लेट मी टेल यू लिटिल बिट अबाउट हिम. इनकी 90% ऑफ द जो ग्रुप है वो यूथ सेंट्रिक है. तो ये थे प्रवीण और मंथन पटेलिया. आइए बात करते हैं हमारे अगले सेट ऑफ लीडर्स के बारे में. हमारे अगले सेट ऑफ लीडर है तो हमारे जो अगले लीडर है उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था 1998 में. एक्चुअली जब ये बिजनेस भारत की शुरुआत हुई थी उस समय. और वो सिल्वर गए 98 में ही, गोल्ड गए 99 में, प्लैटिनम गए 99 में और आज वो इस बिजनेस में डायमंड है. यस, मैं बात कर रहा हूँ रणवीर एंड प्रसीला सिंह के बारे में. और आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं रणवीर सिंह जी और उनके साथ जो है उनकी बेटी जो है उनकी डॉटर यहाँ पे हमारे साथ ज्वाइन करी है मन्नत सिंह. मन्नत जो जिन्होंने इस बिजनेस को 2015 में ज्वाइन किया था और अब वो बिजनेस में प्लैटिनम है. थोड़ा बहुत मैं मन्नत के बारे में बता दूं. शी इज एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट एक्टिंग, डांसिंग. शी लव्स डांसिंग. वेल नॉट टू मिस आउट, शी इज अ मिस इंडिया टॉप 10 2017. शी हैज अदर यू नो अक्लॉज टू हर. शी इज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर सम ऑफ द ब्रांड्स. एंड इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ अक्षय कुमार के साथ भी एड किया अगर आपने टीवी में देखा है. और साथ में बहुत सारा चीज करी है. शी इज अ लाइफ कोच, पेज एंड ट्रेनिंग मेंटर. शी इज पैशनेट, शी इज अ पैशन कोच एंड ऑल्सो एंटरप्रेन्योर. सो ये है आज के हमारे स्पीकर्स. सो एक जोरदार तालियों से, आई एम श्योर आप अपने सभी के घरों में हैं और एक जोरदार ताली से इन सभी का स्वागत किया जाए यू नो हमारे सभी लीडर्स को आज. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे. और मैं सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछना चाहूंगा हमारे पहले स्पीकर और वो है हमारे एग्जीक्यूटिव डायमंड प्रवीण पटेलिया. प्रवीण जी नमस्ते. नमस्ते जी. जी नमस्ते टू ऑल द लिसनर्स जितने भी लोग स्क्रीन पे हैं. थैंक यू वेरी मच अरिजीत जी. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर एंड टेकिंग टाइम आउट टुडे. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग.
वेल सर, हमारा आपसे पहला सवाल ये है, हम जानना चाहेंगे कि आपने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, मैं देख रहा था करीब 2001 के आसपास, राइट? 18 अप्रैल टू बी प्रिसाइज, एंड दैट्स व्हेन यू स्टार्टेड द बिजनेस। और आई एम श्योर उस समय आप कुछ कर रहे थे ऑलरेडी अपने लाइफ में, एंड आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, यू नो टू ट्राई आउट समथिंग एल्स, बट कंसिडरिंग दैट आपके पास बहुत सारे और ऑप्शन थे, एंड आई एम श्योर आप उस समय कोई जॉब में भी थे, कंसिडरिंग दैट, हम जानना चाहेंगे और सुनना चाहेंगे आपसे कि क्या वो रीजन थी जिसके वजह से आपने एमवे बिजनेस ज्वाइन किया। सो ओवर टू यू प्रवीण जी। अर्जुन जी, थैंक यू वेरी मच। आई होप एक क्वेश्चन का आंसर मैं हर जगह पे सबसे पहला देना चाहता हूँ, एंड थैंक्स फॉर चूसिंग मी कि वही क्वेश्चन आपने मुझे पूछा है। इनफैक्ट आपने, हम लोग कहीं पे भी जाते हैं और जब इस बिजनेस के लिए या फिर अपार्ट फ्रॉम दिस बिजनेस ऑल्सो, तो पिछले 17-18 साल से पैशनेटली जब इस बिजनेस को बिल कर रहे हैं, तो जब भी कोई मिलता है तो पूछते हैं आपने क्यों इस बिजनेस को ज्वाइन किया। देखिए, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊं तो नाम प्रवीण पटेलिया, क्वालिफिकेशन वाइज मैं इंजीनियर हूं। मैंने बी मैकेनिकल अहमदाबाद से किया था फ्रॉम एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज। पैशनेट था लाइफ के लिए, एजुकेशन के लिए, फिर एमबीए किया था मैंने, लेकिन लाइफ के अंदर कुछ अपना बनाऊंगा वो पहले से एक पैशन था। लेकिन कहा जाता है दोस्त, मेरी शादी हुई थी 1996 और उसी दरमियान मुझे लगा था कि जॉब सबसे पहले कर लेना पड़ेगा, बिजनेस के तो बाद में सोचेंगे, क्योंकि सबसे पहले घरवाली को पैसा देना था। लेकिन इस बिजनेस की कुछ हालात ऐसे थे, मेरे अगर आपके पर्सनल लेवल पे बात करूं तो मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था और मुझे रेकमेंड कर रहे थे, लेकिन मुझे इतना भरोसा नहीं था इस बिजनेस के ऊपर, या फिर मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि इस बिजनेस को लोग क्यों करेंगे। तो हमने करीब 3 साल तक मना किया था कि नहीं, मुझे इस बिजनेस को नहीं करना है, क्योंकि जब इस बिजनेस मुझे रेकमेंड किया गया था तब मैं गवर्नमेंट में था एज ए क्लास 1 ऑफिसर, अलोंग विद दैट ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी था, तो मुझे लग रहा था मैं बहुत कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मीनाक्षी टीचर। तो हालांकि मुझे लग रहा था कि कुछ लाइफ में अच्छा होना चाहिए, इसीलिए मैं ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में गया था, क्योंकि कुछ अपना बनाना चाहता था। तो देट वॉज ईयर 2001 जब हमने एमवे बिजनेस को ज्वाइन किया था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोडक्ट यूज करना था मेरे मदर के लिए, जिनकी हेल्थ चैलेंजेस कहा जाए तो कुछ दिक्कतें वाली थी, करीब 30-35 साल से उनको एक तकलीफ थी, और मुझे रेकमेंड किया गया था न्यूट्रिशन अगर अच्छे लेंगे तो हेल्थ वाइज वो फिट हो सकती है। There was a reason जब हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था 3 साल मना करने के बाद। There was year 2001। हाँ, हम कुछ कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, हमारे अपलाइन हमें हेल्प कर रहे थे जो हमको लेके आए थे इस बिजनेस में। इस बिजनेस में एक मेंटर होते हैं जो आपको डेफिनेटली हेल्प किया करते हैं, और हमें हेल्प करते थे, बिजनेस बिल हो रहा था। और 2002 आया जब हमारे एरिया में बहुत कह सकते हैं दोस्त भूल जाने वाली जो एक हकीकत हुई थी, there was गोधरा रायट्स। उस रायट्स के अंदर इनफैक्ट काफी हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस कॉलेप्स होता मैंने देखा था, there was ट्रांसपोर्ट बिजनेस पूरे ढंग से कॉलेप्स हो चुका था जो मैंने शुरू किया था 98 में। तो इतना धक्का लगा था मुझे कि अरे किसी भी बिजनेस को बहुत बड़ा बिल कर लेते, लेकिन एक छोटी सी कह सकते तो सिचुएशन उसको ड्रॉप करा सकता है। और उसी दरमियान दोस्त मीनाक्षी के पापा जो पॉलिटिकल बहुत बड़े लीडर है उस एरिया में, उनके मैंने राइट्स के अंदर कुछ अच्छे हालात नहीं देखे थे करीब 7-8 महीने तक, ड्यू टू राइवलरीज उनको लेकिन जेल जाना पड़ रहा था। तो मैं सोच रहा था कि मैं किसी ट्रांसपोर्ट के बिजनेस को लेकर बहुत आगे जाने की सोच रहा था, लेकिन यू करके दोस्त 6-8 महीने के अंदर मैंने अपना बिजनेस कॉलेप्स होता देखा था, जबकि मैं एमवे बिजनेस में था लेकिन शायद उतना पैशनेट नहीं था। लेकिन मैं यहाँ पे हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स को देखा था जिनके पास बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल था इस बिजनेस को बिल करते हुए, तो कहीं ना कहीं जाके ये दिमाग में बैठा था कि अगर ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में लाखों रुपए लगाने के बाद भी सर्टेनिटीज नहीं है, यहाँ इस बिजनेस के अंदर लोग ये कहते हैं कि सही ढंग से बिल कर लेते हो बिजनेस तो थोड़ा सा मानसिक शांति मिल सकता है। तो देट वॉज ईयर 2002 जब हमने इस बिजनेस को बिल करना शुरू किया, और सही ढंग से बिल करते 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 जब आगे बढ़ते गए, तो मैं इतना बताऊंगा दोस्त, इनिशियल लेवल पे ज्वाइन करने का मेन वजह था प्रोडक्ट्स, एक्साइटेड हुए थे प्रोडक्ट्स के वजह से। लेकिन अंदर आने के बाद दोस्त, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू मैं बताऊं तो मार्केट के मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस में और इनफैक्ट मेरे जॉब में भी मुझे लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती है, और यहाँ पे सही ढंग से बिजनेस बिल करने के बाद एक अच्छा मौका है मेरे पास कि मैं अपने लिए, अपने आने वाले जनरेशन के लिए कुछ अच्छा बिल कर सकता हूँ। That was the reason इस बिजनेस को एक पैशनेटली हम लोगों ने बिल करना शुरू किया था, और पीछे मुड़के नहीं देखा, जो भी दिमाग में लेके आए थे कि इस बिजनेस से ये मिलेगा वो तो मिला ही मिला, लेकिन उसे कहीं आगे वो सब कुछ मिला जो हमने कभी सोचा नहीं था, राइट? आज जॉब से फ्री हूँ मैं, मीनाक्षी जॉब से फ्री है, विदेश यात्रा इसी बिजनेस के थ्रू बहुत सारी जगह पे कर रहे हैं, एंड नॉट ओनली दैट, अभी हमारा बेटा जो मंथन था इस बिजनेस को हमें देखते देखते आगे बढ़ा, वो भी आज मेरे साथ इस स्क्रीन के ऊपर है, राइट? तो सोल रीजन प्रोडक्ट यूज करना शुरुआत के लेवल पे, प्रोडक्ट अच्छी लगी तो आगे गए, और लाइफ आज पूरे ढंग से चेंज हो गई, तो यही हमारा रीजन था जो आप सबका भी हो सकता है। अजी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ग्रेट क्वेश्चन।
Thank you. Sure, sir. Great. Thank you so much, Praveen Bhai. और आपकी जो स्टोरी थी काफी इंस्पायरिंग थी. अगला सवाल मैं मंथन जी से पूछना चाहूंगा. मंथन जी, आपसे एक सवाल है कि आपने अपने पेरेंट्स को इस बिजनेस में क्यों ज्वाइन किया और आपने क्या एनवायरनमेंट देखा अपने घर पे जो शायद नॉन एम्प्लॉय लोगों के घर पे वो एनवायरनमेंट आपने नहीं देखा. जी मंथन जी. सो वंडरफुल. थैंक यू मनीष सर. थैंक यू दोस्तों. सबसे पहले तो हमने आशा करें कि आप सभी लोग बहुत ही सुरक्षित होंगे अपने घर में और थैंक्स टू दिस वंडरफुल टेक्नोलॉजी के इतने सारे लोग अभी ऑन स्क्रीन हम लोग कनेक्टेड है. राइट. सो दोस्तों क्वेश्चन को आगे लेकर के जाते हैं. मैं अपना परिचय देता हूं. दोस्तों मेरा नाम मंथन है. मैं रिसेंटली अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है दोस्तों. राइट. और करीबन 3-4 साल से मैं इस बिजनेस को बहुत ही पैशनली बिल्ड करते आ रहा हूं मेरे पेरेंट्स के साथ. और ऑफकोर्स सबसे पहले क्वेश्चन तो वाई रहता है कि क्यों 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 क्यों. तो दोस्तों मेरे लिए क्वेश्चन ये नहीं था कि वाई एमबे. मेरे लिए क्वेश्चन ये था कि वाई नॉट एमबे. राइट. क्योंकि हर जगह क्वेश्चन रहता है कि आप क्यों एमबे करो, आप क्यों एमबे करो. मेरे लिए क्वेश्चन ये बन चुका था कि मैं एमबे क्यों ना करूं. कहीं ना कहीं जाकर के डैडी ने जैसे बताया अभी जो थे वो मेरे डैडी ने. राइट. आपने देखा. सो जब मैं बड़ा हो रहा था, मैं जब 5 साल का था, तब मेरे पेरेंट्स बिजनेस में आए थे दोस्तों. बिजनेस को बिल्ड करने की शुरुआत की थी और धीरे धीरे करते करते मेरे को माहौल देते गए और कहीं ना कहीं जाकर के मैंने ये बिजनेस के थ्रू अपने ही घर में अपनी जिंदगी को पूरे 180 डिग्री को बदलते हुए देखा. मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों आपको. दोस्तों मेरे पेरेंट्स इस बिजनेस की शुरुआत की थी जब मैं 5.5 साल का था. जैसे मैंने बताया तब उनके पास उसे बाइक हुआ करती थी. लेकिन धीरे धीरे करते करते जब वो इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे तो हर साल इनकम बढ़ रही थी. तो दोस्तों गाड़ियां भी बदल रही थी, मतलब हमारी लाइफस्टाइल बढ़ रही थी. राइट. और जब मैं 18 साल का होने वाला तब हमारे घर में बातें चल रही थी कि कब हम लोग मर्सिडीज को लाएंगे. और दोस्तों आप शायद बिलीव नहीं करेंगे, आज हमारे घर के बाद मर्सिडीज खड़ी है. राइट. तो हर साल गाड़ियां बदलना, फिर धीरे धीरे करते करते पहले वो बाइक पे घुमा करते थे, फिर वो मर्सिडीज पे हमारी बात आना शुरू हुई. जब दोस्तों डैडी मम्मी ने बिजनेस शुरू किया था, मैं देखता दोस्तों डैडी मम्मी दोनों बाइक पे जाते थे, लोगों को बिजनेस दिखाया करते थे, घर घर जाकर पड़ोस को दिखाया करते थे. लेकिन दोस्तों मैंने उसी पेरेंट्स को हर साल विदेश यात्राएं भी करते हुए देखा. पहले वो छोटे मोटे गांव में घूमते थे, आज वो विदेश यात्राएं कर रहे हैं. टिल डेट आई गेस 25-26 कंट्रीज घूम चुके हैं वो लोग. राइट. मैंने उन्हीं पेरेंट्स को दोस्तों जॉब के साथ बहुत ही स्ट्रगल के साथ बिजनेस को बिल्ड करते हुए देखा था. और जैसे मैं बड़ा हो रहा था उसी दौरान मैंने उनको जॉब से छुटकारा लेते हुए भी देखा था. दोस्तों आज लोग बोल रहे हैं कि वी आर सो प्रिविलेज एंड सो लकी कि हम लोग लॉकडाउन में घर के अंदर है 24 घंटे. यू वोंट बिलीव गाइस कि 2009 से हमारी जिंदगी लॉकडाउन जैसी है. 2009 से हम लोग 24/7 साथ में होते हैं. राइट. तो ये पूरी जिंदगी में दोस्तों अगर मैं पेरेंट्स को जॉब जाते देख रहा हूँ, जॉब से छुटकारा लेते हुए देख रहा हूँ, हमारे घर में बाइक भी देख रहा हूँ, हमारे घर में मर्सिडीज की बातें भी देख रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स को गांव से लेकर के बड़े बड़े विदेश यात्रा करते हुए देख रहा हूँ और हमारे घरों को भी बदलते मैं देख रहा हूँ. तो दोस्तों अगर उसका सीधा सा सीधा आंसर है कि ये हमारी जिंदगी में जो भी हुआ इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एमबी बिजनेस. तो दोस्तों एक तो मेरे को लाइफ टाइम मोटिवेट करेगा और कहीं ना कहीं जाकर के दोस्तों मेरे को और भी मोटिवेशन मिला. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरे पेरेंट्स की बात करूं तो डैडी मम्मी ने मेरे को कभी फोर्स नहीं किया कि मंथन देखो यही करना है, देखो यही डिग्री लेना है, देखो यहाँ पे ही जॉब करना है. देवर लाइक के मंथन तू चाहे जो भी कर सकता है, यू आर जस्ट चैंपियन, तू कोई भी फील्ड में जा हम तेरे साथ रहेंगे. लेकिन जैसे जैसे दोस्तों मैं डैडी मम्मी के साथ बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाता था या फिर कोई इवेंट्स में जाता था, तब दोस्तों मेरे को मेरी जिंदगी में जो बनना है दोस्तों वो फील्ड के लोग मेरे को वहां पे मिलते थे. जैसे मैं हूँ या फिर आप अगर यंगस्टर हो तो चाहेंगे इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आईएलटीएस देकर के बाहर चले जाना है या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करना है. लेकिन दोस्तों उसी दौरान जब मैं मीटिंग में जाया करता था तो मैं सिटी बैंक वाइस प्रेसिडेंट, पीएचडी होल्डर्स, नासा साइंटिस्ट या फिर बड़े बड़े एमएनसी में कोई जॉब कर रहा है या फिर कोई आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, कोई गवर्नमेंट पे, इनफैक्ट कोई आईएएस ऑफिसर पे है. तो दोस्तों अगर मैं कोई भी फील्ड पकड़ू, अगर उस फील्ड का टॉप देखूं तो वो सभी लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे. तो कॉमन सेंस वाला डिसीजन था दोस्तों कि इस बिजनेस को मैं ज्वाइन कर लूं, क्योंकि अगर जिंदगी में मेरे को रेस पूरी करके 60 साल के बाद जहां पे जाना, अगर वही लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं तो व्हाई शुडंट आई स्टार्ट दिस अपॉर्चुनिटी एट 18. राइट. तो दोस्तों पहला तो मेरे को मेरे पेरेंट्स के लाइफस्टाइल और ये बिजनेस के थ्रू हमारी जो जिंदगी बदली मेरे को वो मोटिवेट कर गया. और दूसरा दोस्तों ये सब प्रोफाइल मेरे को मोटिवेट कर गया कि अगर ये लोगों को अगर पता चला है एट एज ऑफ 35, एट एज ऑफ 40 के वो लोग जो कर रहे हैं उससे बेहतर शायद ये अपॉर्चुनिटी है, तो मेरे को उनका एक्सपीरियंस देख करके, उनका एक्सपीरियंस जान करके मेरे को इस बिजनेस की शुरुआत कर देनी चाहिए एट द एज ऑफ 18. और दोस्तों उसके बाद आप सभी के ब्लेसिंग्स के थ्रू, आप सभी के गुड विशेस के थ्रू और डैडी मम्मी के सपोर्ट और गाइडेंस के थ्रू दोस्तों आज जो है हम हैं. और डेफिनेटली और भी आपका प्यार, आपका ब्लेसिंग्स चाहिएगा दोस्तों जिंदगी में और भी बड़ा होने के लिए. थैंक यू सो मच मनीष सर एंड बैक टू यू. थैंक यू सो मच मंथन जी. आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर. और काफी इंस्पायरिंग और प्रेरणा से भरी हुई स्टोरी थी आपकी, आपकी जर्नी थी. मेरा अगला सवाल होगा अब मिस्टर रणवीर सिंह से. रणवीर जी, एक सवाल जो आपसे पूछना चाहेंगे सर. और सर मुझे पता है कि जब आपने एमवे बिजनेस शुरू किया था उस वक्त आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहे होंगे, तो सर आपने एमवे बिजनेस क्यों चूज किया? व्हाई डिड यू चूज एमवे बिजनेस? वेल हेलो एवरीवन, वी आर रणवीर एंड प्रिसिला फ्रॉम इंदौर.
और मनीष मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैंने ये बिजनेस को हम लोगों ने अपने बचपन के दोस्त के माध्यम से देखा था, उस समय कुछ फैमिली चैलेंजेस ऐसे थे कि मेरे फादर एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे और उसके बाद मेरे फादर ने जॉब भी किया और बहुत जबरदस्त लॉसेस हुए उनको बिजनेस में जब हम लोग बहुत छोटे थे। और तब से मैंने मेरे मन में ये धारणा थी कि बिजनेस अच्छे नहीं होते, हमको जॉब करनी चाहिए और जॉब के लिए अच्छी पढ़ाई होना, अच्छी डिग्रियां लेना जरूरी था, अच्छे कॉलेजेस से निकल के तभी अच्छी जॉब मिलती थी। और समाव बचपन से भी मैं कभी भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था पढ़ाई में, एक एवरेज स्टूडेंट कुछ समय तक तो बिलो एवरेज था, उसके बाद एक एवरेज स्टूडेंट रहा। और पर मैं हमेशा ढूंढता था कि कैसे मैं अपनी आमदनी को बढ़ाऊं जब मैं पढ़ भी रहा था। और 14 इयर्स की एज में जिंदगी में ऐसी परिस्थिति आई कि हम लोगों ने फुटपाथ पे खड़े होके कबाब बेचना शुरू किया और सुबह मैं पढ़ाई करने जाता था और शाम को मैं जो छोटा सा एक स्टॉल टाइप था वहां पे मैं कबाब सेल करता था जिससे हम लोग अपने एंड्स मीट कर पाते। और एक चीज तो मन में थी कि बहुत बड़ा आदमी बनना और बहुत पैसे कमाने, पर सोसाइटी के हिसाब से एक ही जरिया था कि बिजनेस के लिए पैसे नहीं थे और एक ही जरिया था कि पढ़ाई करो और जॉब करो। तो मैंने अपना बीबीए किया, फिर मैंने एमबीए किया हिंदुस्तान के एक बहुत अच्छे कॉलेज से मार्केटिंग में और उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी मेरी जॉब लग गई। और 4-5 साल मुझे लगता था कि बस मैं अपनी जिंदगी इसमें लगा दूं, नौकरी मेरे लिए सब कुछ है, मैं खूब मेहनत करूं। बट 4-5 साल बाद मेरे को समझ में आया कि मैं और प्रिसला दोनों कॉर्पोरेट जॉब में होने के बावजूद जो हमारे सपने थे, जो कर्जे हमारे सर के ऊपर थे, जो लाइफस्टाइल हम अपने बच्चों को देना चाहते थे, जो किसी कारणवश हमारे पेरेंट्स हम लोगों को नहीं दे पाए थे, तो मैं उस समय ढूंढ रहा था कि मैं कुछ करूं। और जब मैंने ये बिजनेस को देखा और इसमें मेरे को देखा कि इसमें सिर्फ एक बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट्स है, बिजनेस शुरू कर सकता हूँ, इसमें मैं अपने प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए हुए बगैर थोड़ा बहुत अपना स्पेयर टाइम निकाल के और अपने करके मैं बिजनेस को बिल्ड कर सकता हूँ, तो मैंने और अमन ने डिसाइड किया कि हम लोग इसको अब पैशनेटली बिल्ड करेंगे। और जब फर्स्ट टाइम इस अपॉर्चुनिटी को देखा और प्रोडक्ट्स को देखा तो जैसे सभी को होता है कि प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव लगते थे, कन्विंस नहीं थे हम लोग, बट धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारा फेथ इस बिजनेस में बढ़ता गया, धीरे धीरे हमारा बिजनेस बढ़ता गया दोस्तों। और यू नो व्हाट, आई स्टिल रिमेम्बर हम लोग ने जब बिजनेस शुरू किया था तो एक अवेलेबल वेस्पा स्कूटर था, एक रेंटेड हाउस थे, काफी सारा कर्जा था, शॉपिंग के लिए और घूमने के लिए कोई पैसा नहीं था और ड्रीम्स की एक बहुत लंबी लिस्ट थी। और इस बिजनेस ने वो बिलीव दिया और जो हमारे अपलाइन कोचेस थे उन्होंने हमें गाइड और मेंटर किया कि कैसे हम उनको पा सकते हैं और धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हम लेवल्स को अचीव करते गए। और फ्रेंड्स, मेरे को और अमन को सिर्फ 1 साल लगा इस बिजनेस में अपने आप को एस्टैब्लिश होने के लिए। और एक बार हम एस्टैब्लिश हुए एंड देन वी स्टार्टेड ग्रोइंग द बिजनेस, विद इन 4 इयर्स हम दोनों की इनकम जितनी भी जॉब में थी उससे कहीं गुना ज्यादा हम लोग इस बिजनेस से कमाने लगे थे। और फर्स्ट प्रिसला ने अपनी जॉब छोड़ी और उसके बाद एट द एज ऑफ 30 आई वॉज रिटायर्ड फ्रॉम कॉर्पोरेट लाइफ फॉरएवर। एंड टुडे बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस हम लोग आज एक बहुत बेहतरीन जिंदगी दोस्तों इस बिजनेस ने हमको दी है। एक अपने ड्रीम होम में रहते हैं, ड्रीम कार्स ड्राइव करते हैं, दुनिया की सैर करते हैं, ये भी याद नहीं है कितनी कंट्रीज घूम चुके हैं हम लोग। बट उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग दोस्तों वो है कि वी हैव पीस ऑफ माइंड। उससे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि द काइंड ऑफ वैल्यूज इस बिजनेस के माध्यम से हमको मिली दोस्तों, अब वो अनपैरेलल्ड टू नन। और ये सब इसलिए सफल हो सका बिकॉज देयर वाज समबडी टू गाइड अस। And MBA as an opportunity was phenomenal because ये platform की जहाँ पे आप थोड़ा सा समय डाल के और थोड़ा सा investment करके बगैर अपने profession को disturb किए इस business को किसी भी ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। And you know what, it only happened because मेरी जो पत्नी थी वो बहुत passionate थी and she had huge dreams and we were willing to pay the price. So here's Priscilla. Greetings friends, जब मैंने business start किया मैं job करती थी और मेरा सपना इतना ही था कि मैं एक full time mother बन सकूँ और रग्बी जो 25 दिन टूरिंग करते थे वो घर हम दोनों मिलके ये बिजनेस करना चाहते थे और हमें विश्वास था कि अगर आपको कोई मेंटर मिल जाए, कोई कोच मिल जाए तो आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। और अमर भी तो शीना हमारी लाइफ में आए, उन्होंने हमको कोच किया और आज हम यहाँ हैं और हमारे सब ड्रीम्स पूरे हो चुके, हमारे दोनों बच्चे बहुत अच्छे सेटल्ड है और आज जो कुछ भी हमारी लाइफ में जो भी खुशियाँ है, जो भी ड्रीम्स है, सिर्फ बिजनेस के कारण पूरे हो। थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत धन्यवाद रणबीर जी, प्रिसिलिया मैम, और यही कहना चाहूंगा कि आपकी जो स्टोरी थी, जर्नी थी, काफी इंस्पायरिंग थी और भावनाओं से भरी हुई थी. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Over to you, Arijit. All right, so that was really inspiring, Rabir ji and Priscilla ji. So यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मन्नत के लिए. सवाल है ये. So मन्नत, you've been, I just was listening about, you know, आपका पूरा मैं पढ़ रहा था और आपने लिखा है कि, you know, and I have seen actually. So you were Miss India Top 10 2017. You were Miss Indore. You have been a brand ambassador with Malabar, Bhima Jewelers. You had been on ads with Akshay Kumar. You are a life coach, pageant training mentor, passion coach, and entrepreneur. And you have about 34,000 followers on Instagram. I was a 34,900 something actually. Right. So considering that, kabhi aapne ye socha tha ki ek din shaam ko 7 baje aap studio outlook mein aapko kabhi mauka milega? Just kidding. Actually, what I really wanted to ask you was ki, why you've seen your parents building this business. Why did you think of joining your parents in the business? You know, you had many options. You are already in Bollywood. You've been into the, in the pageant, that thing basically. You've been Miss India, top 10. So considering all the options you have, you've seen everything, why Amvi? You've seen your parents, so why that? Firstly, thank you so much, sir, and all the elite group of leaders, Jinki Vijay say today was possible. And I am very, very lucky to be here. I would rather choose anything but be here. The why question that you asked, aapne mere parents ki story suni hogi. So I think that was reason enough for me to start the business when I was 19. I had joined when I was 19. But he always told me, my father always told me that you have to have a purpose to do the business. And my why was because as when I was growing up, I saw my parents' lifestyle, exactly how what Manthan said. My parents' ka lifestyle was so inspiring because by the time I was 9, 10, I had never seen my father go to a 9-to-5 job. So I didn't know what it's like to get a boss's call ya mere papa ko subah utke shaam ko jana pada. So I had never seen that. And, when I was growing up, I was seeing my parents were traveling around the world. They had this amazing lifestyle. So I was always intrigued to know ki how did they do this. And I think the first glimpse of me getting to know what Amway world or, being a part of this world would be like was back in 2013 when Amway had hosted an event in Bangkok, which was a Gen Y event. And for me, it was a vacation, but Dad told me that you're going to learn something really good. And this but is where you're not always live. You can be normal when you're not live. This is your problem. Sorry, Manat, please continue. Yes. So I think that event was life-changing because Mahape Amway had come up with a vision of what it's going to be for the next 5 years. And Ustan Pito, I didn't understand much. I knew that, this is something really interesting. And, they are not just our parents' level ke log kar rahe, but they are also foreseeing the future and telling the young generation to do it as well, the second generation business. And I think first glimpse mera waha tha. Second reason was I had always seen my parents' lifestyle. I was very inspired by it. I wanted to do what they were doing. I didn't want to work for somebody, but I wanted to work with people rather than working for people. I think that was one of my major reasons. Third was, I had always seen a lot of multiple sources of income is extremely important. Now also I believe in that. And this is one thing that you'll always notice in youth, that multiple sources of income is something that they're looking for. And in times like this also, if I only have one source of income, it'll be very difficult for me to survive. Plus in the profession that I am in right now, it's very uncertain. So I'd already planned that, I have two different sources of income that'll help me reach my goals sooner. And that's how it happened. And I think in college when I was there, my father and my mother have always been these motivational speakers. I was an introvert and I trained myself to be a good public speaker. Or during my college, my mom wanted me to get into Miss India and I just tried it and it happened. But I always knew that, to make it to Bombay or to come to this big world, I need something backing me up. And that was Amway.
that is exactly what my father also told me, that, you know, you have, it's okay to have a passion, but, you know, different source of income is extremely important, and young people always look for multiple sources of income. And I think that was one of my major reasons. Lastly, it's, you know, the inspiration that my parents provided me with. I had seen them helping people day in, day out. Religiously, wo logon ki help karte the. People worship them like anything. And values or principles, you know, Amway hamari family mein la raha tha. I inherited them, and I would love to give it forward as well. I think that is something that really pushed me forward to take up this business at a very young age. Over to you. Thank you so much, Manat. I think that was really inspiring. Thank you, sir. Right, Panish, over to you. Thank you so much, Manat. Thank you so much, Praveen Bhai, Ranbir Ji, Priscilla Ma'am, Manthan Ji, Manat Ji. आपकी स्टोरी और जर्नी को सुनने के बाद एक ही चीज कहना चाहूंगा कि साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे खुद घड़ने का मजा ही कुछ और है। प्रवीण जी, इसी थॉट के साथ आपसे अगला सवाल मैं पूछना चाहूंगा, और वो ये है कि प्रवीण जी, आप क्या महसूस करते हैं, आप क्या सोचते हैं, एमवे बिजनेस आने वाले जनरेशन को कैसे हेल्प कर सकता है, कैसे मदद कर सकता है? Manish ji, Amway Business, thanks for the great question. In fact, Amway Business आने वाले generation को कैसे help कर सकता है, अभी शायद audience को मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अगर वो मंथन और मन्नत ये दोनों को सुन रहे हैं तो definitely वो एक question का जवाब लेके जाएंगे। लेकिन मैं अपनी बात करूं, अगर जैसे हम लोग इस business को build कर रहे थे, और मंथन करीब 5.5-6 साल का था, इस business को हम लोग build कर रहे थे, वो देखता जा रहा था हमारे साथ मीटिंग्स में, हमारे साथ एमवे ऑफिसेस में, या फिर हम जब किसी की फैमिली को मिलने जाते थे तो साथ में आया करता था। हाँ, तो ये बिजनेस बिल्डिंग प्रोसेस जो था वो शायद हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के बच्चे देखते आ रहे हैं। उन लोगों का एमवे बिजनेस में आना एक नेचुरल कोर्स में हो जाता है, आई होप। और अगर इनफैक्ट कह सकते हैं किसी बिजनेस को समझते वो लोग बड़े हो रहे हैं, तो शायद वही चीज वो बहुत आसानी से भी कर सकते हैं। पहली बात तो वो है कि बहुत आसान रह सकता है उनके लिए जब वो इस एनवायरमेंट में बड़े हो रहे हैं। लेकिन एज फार एज अगर एमवे बिजनेस का पोटेंशियल और एमवे बिजनेस का नेचर जो है, अगर उसके लिए मैं अगर बात करूं, तो शायद जैसे मंथन बता रहा था, फिर मन्नत बता रही है कि एमवे बिजनेस में मंथन ने देखा कि हर सक्सेसफुल लीडर जो देख रहे थे वो अलग अलग फील्ड से थे, या तो कुछ डॉक्टर, कुछ इंजीनियर्स, कुछ बिजनेस क्लास पीपल, और जैसे मन्नत बता रही है कि कुछ एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम कुछ होना चाहिए जब हमें एमवे बिजनेस कुछ लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो सबके लिए, इनफैक्ट आई होप कि सबके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे इस बिजनेस के अंदर हर सफल लीडर देखते, तो पहले किसी और प्रोफेशन में था, फिर इस बिजनेस में आके एक बहुत अच्छा इनकम भी जनरेट कर लेते, एक अच्छी लाइफ भी बना रहते हैं। जैसे मैं और मीनाक्षी कभी जॉब में थे, आज जॉब से बाहर है, आज इस बिजनेस के कारण हमारे पास जो कुछ भी है, दैट इज कह सकते हैं हमारी जॉब में या हमारे ट्रांसपोर्ट के बिजनेस से नहीं मिलने वाला था। अभी हमारे बच्चे देखते हुए आ रहे हैं तो उनका डिसीजन लेना एक आसान बात है, और जब वो इस बिजनेस के अंदर आके हमारा जो एम्पायर बिल्ड हो चुका है उसका बेनिफिट तो डेफिनेटली उनको मिलना ही है। बाकी सब बिजनेस जब बिल्ड करके उनके बच्चों को जब वो बिजनेस जाता है तो शायद एक ऐसे लेवल पे उनके पास जाता है, शायद उनके पास वो नॉलेज, वो कैपेबिलिटी शायद हो या नहीं हो, लेकिन हमारे यहाँ पे वो बच्चे जब इस बिजनेस को देखते हो आगे बढ़ रहे हैं तो कैपेबिलिटीज उनके अंदर होती ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक अपॉर्चुनिटी, इसके पोटेंशियल को देखते हुए हम चाहते हैं कि दोस्त हमारे नेक्स्ट जनरेशन, जैसे मंथन आया, मन्नत आई, वैसे हमारे अगर डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स को यहाँ पे है तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि उनके बच्चे डेफिनेटली इसमें होने ही चाहिए, और टू मेक श्योर वो आएंगे नहीं, राइट। जैसे अगर देखा जाए तो मंथन ने बताया कि उसे देखा था डैडी के टीम में कौन थे, कैसे लोग आते थे, हमारी लाइफस्टाइल चेंज होते हुए देखा था, हमें इस बिजनेस को बिल्ड करने के दौरान हमारे अंदर पर्सनालिटी, हमारे पैसा, हमारा लाइफस्टाइल चेंज होते हुए देखा था, तो ऑटोमेटिकली उसने डिसीजन ले लिया। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स पेरेंट्स की मैं बात करूं तो आपके बच्चे इस बिजनेस को ऑटोमेटिकली ग्रैब करेंगे, और वो बिल्ड भी बहुत आसानी से कर पाएंगे प्रोवाइडेड उनको इस एनवायरमेंट में सही ढंग से रखा। तो जैसे मंथन की अगर बात करें तो हमें उसको बोलने की जरूरत नहीं थी कि तू अंदर आ जा बिजनेस के अंदर, ही वॉज अ पर्सन। जब आके उसने बोला था कि डैडी मैं इस बिजनेस को बिल्ड करूंगा, मैंने पूछा था क्यों, उसने बोला कि अगर हर फील्ड के सफल लोग अगर इस बिजनेस में आके अगर बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं तो मैं कहीं और जाके अंदर क्यों आऊं, मैं शॉर्टकट नहीं लूं। तो आफ्टर इमीडिएटली 12th कंप्लीट करने के बाद उसे डिसीजन लिया गया मुझे एमवे बिजनेस बिल्ड करना है एट द एज ऑफ 18, और अभी आप देखें दोस्त शायद एक अच्छे से अच्छे प्रोफेशन वाले जो इनकम अर्न कर रहे हैं, आज वो इनकम यहाँ से अर्न कर रहा है।
हाउ अबाउट दैट? और सबसे बड़ी बात दोस्त, इस बिजनेस के अंदर होने की, बच्चों को अंदर इस बिजनेस में होना मतलब आपके लिए ब्लेसिंग हो सकता है, नॉट ओनली इम्पैक्ट अगर पैसों के हिसाब से, लेकिन जब अंदर आते वक्त उनका जो बिहेवियर जो होता है, इनका पैशन जो होता है, उनका ड्रीम साइज जो होती है, इनके अंदर जो हम्बलनेस है, वो शायद मुझे पता है किसी और फील्ड में नहीं हो सकती है. इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट पैशन, इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग लाइफ. एंड सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्त, एमवे के अंदर दोस्त ये सब कुछ जो हमें मिला है, इट्स ऑल अबाउट, इसको मैं कंपेयर नहीं कर सकता था मेरी जॉब या फिर मेरे ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के साथ, राइट? तो नेक्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन को तो मैं यही कहना चाहता हूँ, पेरेंट्स को और सेकंड जनरेशन को, ये सबसे अच्छा मौका है कि आपके बच्चे इस बिजनेस के अंदर आएंगे और लीड लेके वो आगे जाएंगे, राइट? तो इट्स ऑल अप टू यू दोस्त. मनीष जी, थैंक यू फॉर ग्रेट क्वेश्चन. थैंक यू सो मच प्रवीण भाई, और काफी महत्वाकांक्षी था जो आपने बताया. आपने आने वाली जनरेशन को बताया कि स्कोप क्या है, पोटेंशियल क्या है एमवे बिजनेस में. रणवीर जी, आपके पास आते हैं सर, और सर यही सवाल मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आपको क्या महसूस होता है, आपको क्या लगता है एमवे बिजनेस आने वाली पीढ़ियों, आने वाली जनरेशंस को कैसे मदद कर सकता है? वेल, थैंक यू मनीष, एंड आई थिंक प्रवीण भाई ने बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको बिल्ड किया. पर मनीष, अगर मैं अपने बारे में बताऊं कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जब मन्नत 6 साल की थी तब मैं इस बिजनेस में रिटायर हो चुका था और आई वॉज बिल्डिंग दिस बिजनेस फुल टाइम. और क्या होता था, हम लोग एक बहुत डिफरेंट एरा से थे, हमने बिजनेस को बिल्ड किया इनिशियली विदाउट सेल फोन, हमने बिजनेस को बिल्ड किया विदाउट व्हाट्सएप, उस समय इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक नहीं था, सोच अलग थी और ये बिजनेस करने का तरीका भी अलग था. और कई बार क्या होता था कि शुरू में जब मन्नत उन चीजों को समझ नहीं पाती थी तो अक्सर ये पूछती थी कि अपनी मदर को कि मेरे फादर इतनी मेहनत क्यों करते हैं, इतना ट्रैवल क्यों करते हैं. और ऑल्दो उस समय वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी द काइंड ऑफ फ्रूट दैट वाज देयर ऑन द ट्री, और दैट वाज अ बिग क्वेश्चन मार्क. और कई बार क्या होता था कि हम लोग ने भी एक एक्सट्रीम लेवल पे जाके इस बिजनेस को बिल्ड किया और बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया. और वो जो सिचुएशन आई तो उसमें कई बार मैं और अमन बैठे और हमने डिसाइड किया कि हाउ अबाउट लेट्स प्लान इन अ वे वेयर आवर चिल्ड्रन कैन अंडरस्टैंड कि हम जो हार्ड वर्क कर रहे हैं उस हार्ड वर्क का रिजल्ट क्या मिलने वाला है और वो फ्यूचर में क्या होगा. और एक्चुअली जब वो बड़े होंगे और अंडरस्टैंड करेंगे, तो शुरू में कई बार हम लोगों को मन्नत के साथ बैठ के ये अंडरस्टैंड करना पड़ता था कि जो बिजनेस में द काइंड ऑफ हार्ड वर्क दैट यू आर पुटिंग इन विल गिव यू अ ग्रेट लाइफस्टाइल. और वंस दैट स्टार्टेड ड्रॉपिंग इन एंड यू नो व्हाट, स्टेप बाय स्टेप मन्नत स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग इट. एंड और हम लोगों ने कभी भी कुछ इसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जिस तरह से बिजनेस बिल्ड हुआ और जो हर 5 साल में बच्चों को हम लोगों के साथ घूमने का मौका मिला और जब वो उन ट्रिप्स में जाके लोगों से मिलते थे और दूसरे बच्चों से मिलते थे और वो जो शेयर एक्साइटमेंट ऑफ ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड विद देयर पेरेंट्स, वो बहुत उनको मोटिवेट करता था इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए. और मन्नत का तो आपने यू जस्ट हर्ड द स्टोरी कि व्हाई डिड शी बिल्ड इट. बट जितने भी लोग हैं यहाँ आज हमारे साथ आज इस स्ट्रीमिंग में हैं, इस स्टूडियो में हैं, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा फ्रेंड्स कि देयर वर कपल ऑफ रीजन दैट नंबर वन वाज दैट वी बिल्ड दिस बिजनेस लाइक क्रेजी एंड आवर सक्सेस वाज देयर जो हमारे बच्चों को जिसने इंस्पायर किया. दूसरा चीज हमारे बच्चों को जो इंस्पायर किया कि जो हम स्टेज से बोल रहे थे वैसे ही हम लोग घर पे थे और देयर वाज नो कॉन्ट्रडिक्शन इन व्हाट वी वर सेइंग एंड the kind of lifestyle we had. Third and most important, जो सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे बच्चों ने देखा कि कैसे parents अपने goals लिखते हैं, कैसे goals के साथ एक game plan बनता है और कैसे वो उसको hard work करके achieve कर सकते हैं. So all these people, मैं तो ये कहूँगा, और अब जो business का scenario है, that is totally different. As a matter of fact, जब मन्नत इस business में आई और मंथन आए, as a matter of fact, I'm a fan of this guy. और जिस तरह का business मंथन build करता है, you know what, look at what Manthan ko, even the CEO of Amway is following him on Instagram. And you just name it, and there are so many people who want to learn that how these guys have built a massive business through social media. So, jab ye log aaye, toh bahut important tha understand karna ki ye ek different mindset leke aa rahe hain, ye ek different era mein hain, aur hum kaise hum dono milke is business ko kar sakte the. So, I would only tell parents jo chahte hain ki unka
उनकी नेक्स्ट जनरेशन या उनके बच्चे इस बिजनेस में आए. मैंने कभी भी ये डिस्करेज नहीं किया किसी को कि क्योंकि हर किसी को एक पैशन होता है राइट. बचपन से जिस तरह के सीड्स आप डालते हैं अपने बच्चों में वही वो उस तरह की चीजें बनना चाहते हैं. अगर बचपन से मैंने अपने बच्चे को बोला कि भाई आपको डॉक्टर बनना है तो बड़ा होकर उसके पास वही ऑप्शन वाइडर ऑप्शन था. अगर मन्नत की बात करूं तो मन्नत का मिस इंडिया वॉज नॉट अ प्लान्ड इवेंट. मन्नत का मिस इंडिया वॉज नॉट अ ड्रीम, इट वॉज अ मदर्स ड्रीम. और इनिशियली जो सीक था उसका उसकी मदर ने उसके माइंड में डाला था एंड देन व्हेन शी वेंट फॉर अ कॉम्पिटिशन इज दैट. सो अगर इनिशियल स्टेजेस से अगर हम अपने बच्चों को इस बिजनेस को अंडरस्टैंड कराएं और ये बिजनेस क्या देख सकता है या क्या दे सकता है उन बिजनेस को. और आज के सिनेरियो में मतलब मैं आसान तो नहीं कहूंगा बट इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दैट यूजिंग द सोशल मीडिया जिससे ये लोग कितने सेवी हैं ना, ये लोग कैसे एक बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं. देयर वाज नॉट अ कोई दूसरा चांस नहीं है, कोई दूसरा समय नहीं है इस बिजनेस को बिल्ड करने का. और जितने भी पेरेंट्स हैं मैं आपसे यही बोलूंगा जो सीनियर पार्टनर्स हैं जिनके बच्चे इन्वॉल्व हैं आप उनके साथ अपने बच्चों को एसोसिएट कराइए. मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट एंड व्हाट अ लाइफस्टाइल दे कैन गिव यू एंड दैट यू हैव. थैंक यू मनीष. Thank you so much, Ranbir ji, and it was absolutely phenomenal and inspiring. Over to you, Arijit. Thank you, Manish and Ranbir ji. That was really a roadmap, actually, for anybody who is thinking to move on in the business. Well, I'll move on, and my next question is for Mannat, for you. So, Mannat, you've come a long way, you know, from an agricultural economy to moving to an industrialization, and from industrialization to, you know, where we had a full-time jobs. To economy which is now moving towards a gig economy. And when I say gig economy for everybody, it's the economy right now where we are moving, where there are more contract works, freelance work than permanent jobs. So whether it's Ubers of the world or Swiggy and all those things that you is part of the gig economy. Now, as we move towards gig economy and with the intensity of with things intensifying with COVID, you know, currently, you know, where do you see the Amway's business really fit in this gig economy? Correct. So I think I am a part of that because as an actor and model, I freelance a lot and now my work has completely stopped. This is where I come back to the topic that I said that multiple sources of income. I'm currently in Mumbai, one of the worst affected cities in India, and my work has completely stopped, but my business hasn't. And that was only possible because I had two different multiple sources of income. And, you know, as I was building the business for many, many years, I understood that, you know, a lot of jobs, a lot of stuff were affected because of this. But our business is one of those very rare businesses just the economic crisis ko farak nahi pada. That is one of those businesses. That's what I feel. And, you know, when this pandemic came in and things changed for a lot of people. I mean, we will be having this in front of each other, but now we are at our homes and I'm able to connect with thousands of people. So that's what's changed. But a few things that hadn't changed is the social commerce, the way the business works. I was still connected with a lot of people online using the internet, using this business. And you know what, my point over here is that the business is very feasible. You know, we don't have to adjust according to the business, but you know, we can make it work in different ways. So in moments that I cannot have a one-on-one meeting with people, I can connect with them over Instagram using my huge following, over LinkedIn, different types of social media platforms that I can be using. And you know, all these years of doing the business, I think it's more of a mindset thing. And I feel like the reason that I'm able to cope with these difficult times is because I have this business, again, the multiple sources of income. And, you know, I think that's about it. With the right mindset and the right people, this business can go really forward. And luckily, it wasn't affected by the economic crisis. So I think that is something, you know, the additional source is something that we gain from this business. So that's really amazing to see, you know, in a situation like this, this business really fits well, you know, considering the current situation. Amazing. So moving on to, Manthan. So thank you, Mannat. Well, Manthan, jaise main pooch raha tha bhi Mannat ko, and jaise Mannat ne bhi bataya, you know, even in the current scenario jo hai, jis tarah se gig economy ki taraf hum already hai, you know, many badhon ki hum badh rahe, but ye aur zyada dikhne laga hai hame ki jahan pe zyadatar log, you know, contract
वर्क की तरफ जा रहे हैं, फ्रीलांसिंग की तरफ देख रहे हैं। आजकल मैं देखता हूँ कि आर्किटेक्ट यू नो जो बिल्डर्स भी होते हैं वो आर्किटेक्ट्स को फुल टाइम नहीं रखते, वो उन्हें पार्ट टाइम में एज अ कंसल्टेंट्स रखते हैं, राइट? सो एज यू मूव अहेड मूव टुवर्ड्स दिस, सो व्हाट इज योर थॉट, यू नो हाउ ये एम्वे बिजनेस कैसे फिट होता है इन सिनेरियो में? ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल क्वेश्चन। दोस्तों गीग इकोनॉमी को बाजू में रखे मैं अपनी बात कर दूं आपको, तो आपको पता चल जाएगा गीग व्हाट इज, मतलब ये एम्वे कैसे गीग ये इकोनॉमी में फिट होगा, राइट? देखिए दोस्तों, फाउंडर्स दैट टाइम इज अ वेरी गुड लेवल जहाँ पे बहुत ही अच्छी इनकम बनती है, बट अगर मैं बात करूँ तो आई हैव अ बैचलर्स डिग्री एंड मेरे को और कुछ ज्यादा शौक नहीं है उसके ऊपर मास्टर्स करने का, लेकिन डेफिनेटली अगर कुछ घर से ऐसी रिकमेंड होगी तो डेफिनेटली करेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स आई हैव अ बैचलर्स डिग्री और मेरे को पता है वो बैचलर्स डिग्री लेकर के मार्केट में जा रहा हूँ, मैं कोई एक पर्टिकुलर कोई जॉब ले रहा हूँ एंड देयर विल बी अ वॉल ऑल अराउंड, राइट? मेरे ना मैं कुछ बड़ा कर पाऊंगा ना मेरे ऊपर कुछ रहेगा, एवरीथिंग विल बी लिमिटेड। लेकिन दोस्तों यहाँ पे फाउंडर्स पैटर्न के तौर पे बहुत ही अच्छी इनकम है। मैं कब काम करता हूँ? जब मेरी मर्जी होती है, मैं चाहे रात को 2 बजे काम करूँ, मेरा तो ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, मेरा पूरा एमबे वेबसाइट से बिजनेस रन होता है, मेरे को रात को 3-3 बजे तक नींद नहीं आती, यहाँ की टीम मेरी सो जाती है, तो मैं यूएसए में जाकर के इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट करता हूँ, राइट? तो मैं मलेशिया में लोगों को कॉन्टेक्ट करता हूँ बिकॉज ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। तो फ्रेंड्स इनकम बहुत अच्छी कमा रहे हैं, रात को 2 या 3 बजे हम मैं और डैडी बैडमिंटन खेलते हैं, राइट? सुबह कोई ज्यादा उठने की दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पे आज अहमदाबाद में हम लोग आकर के बात कर रहे हैं क्योंकि स्पेशली आज इवेंट था तो वाईफाई यहाँ पे अच्छा है, तो हम लोग स्पेशली हमारा गांव से यहाँ पे 200 किलोमीटर दूर अहमदाबाद में आए क्यों, वाईफाई का प्रॉब्लम ना है, राइट? तो अभी हम लोग हमारे होम टाउन में क्यों, क्योंकि अहमदाबाद के अंदर जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे सिचुएशन थोड़ी टफ है कोविड को लेकर के, तो हमने सोचा हमारा वहाँ पे भी घर है, चलो वहाँ पे जाकर रहेंगे। अगर जो इनकम मैं फाउंडर्स दैट टाइम पे यहाँ पे बना रहा हूँ, अगर वही मैं अगर जॉब में बना था, लेटेस्ट एक एग्जांपल, अगर मैं जॉब पे बना था तो मैं ना पहले मेरे होम टाउन में जा सकता था, राइट? ना मैं रात को 2 बजे तक जग सकता था, ना मैं सुबह अपने टाइम पे उठ सकता था, और ना ही मैं आज जो इनकम बना रहा हूँ वो बना सकता था, राइट? आज दोस्तों ये पूरा मार्केट बदल रहा है, लोग स्विगी में जा रहे हैं, ओला उबर में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जितना वो एफर्ट्स डालेंगे उतना उनको और इंसेंटिव मिलेगा, वहां पे कोई एक पर्टिकुलर इनकम नहीं है। उबर करेंगे अगर 5 ट्रिप लगाई तो इतना आपको कमीशन मिलेगा, अगर लेकिन और 2 ट्रिप लगा दी तो यू विल गेट सम अमाउंट ऑफ इंसेंटिव। तो लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करते हैं, थोड़ी सी और ट्रिप्स लगाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जितना एफर्ट्स लगाएंगे उतनी इनकम आएगी, लेकिन अल्टीमेटली अगर वो जॉब हो या फिर गिग इकोनॉमी हो, अल्टीमेटली अगर मैं देखूँ दोस्तों डैडी मम्मी का एक्सपीरियंस या फिर टीम के लोगों का एक्सपीरियंस है, तो चाहे वो स्विगी में है, मतलब कुछ और उबर में है, या फिर कोई जॉब में है, या फिर कोई और जगह फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अल्टीमेटली दोस्तों हमको भी टाइम देना है ना, अल्टीमेटली हमारे एफर्ट्स जाएगा, अल्टीमेटली हम ही वहाँ पे जाके काम करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर काम करते 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 भी कितना करेंगे, नॉट मोर देन, मतलब 24 आवर्स इज इनफ, राइट? लेकिन दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं जाकर के ये टीम बढ़ती है दोस्तों, टाइम का मतलब टाइम बढ़ता है, लोग एक साथ में मिलकर के काम करते हैं, यहाँ पे टीम वर्क होता है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, आप पैसे खुद यहाँ पे आप पूरा बिजनेस कस्टमाइज कर सकते हो, राइट? अल्टीमेटली अगर मैं दोस्तों कुछ बात बताऊँ आपको, तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप अपनी इनकम को कस्टमाइज कर सकते हो। What do you mean by customize? दोस्तों जैसे कि मेरे पास फोन है, मैं कवर खुद कस्टमाइज करता हूँ, उसका वॉलपेपर खुद कस्टमाइज करता हूँ, ये मेरी फोन है, तो जिंदगी भी मेरी है, तो मैं क्यों ना उसको खुद कस्टमाइज करूँ, राइट? जैसे कि मेरे को कितनी इनकम चाहिए, जैसे कि मैं कब सुबह उठूँ, जैसे मैं कब कहाँ पे वैकेशन करूँ, कब मैं रात को सोऊँ, एवरीथिंग शुड बी ऑन माई कंट्रोल्स, ऑन माई टर्म्स, राइट? यहाँ पे क्या दोस्तों, अगर मैं फाउंडर्स लेट हूँ तो लास्ट ईयर गया तब तो कोर प्लस नहीं आया था, पता नहीं क्यों नहीं आया था, लेकिन अब तो कोर प्लस आ गया, तो आपको थोड़े बहुत और इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो दोस्तों मैंने सुना है एमबीए के कोर प्लस की मीटिंग में जब भी कोई फाउंडर्स लेट बन जाएगा तो करीब से करीब, इफ आई मतलब मैं गलत नहीं हूं, तो वो चाहे अर्न करेगा दोस्तों करीब से करीब 16-18 लाख का एनुअल पैकेज लिया है, इट्स अ ह्यूज इनकम गाइस, राइट? मेरे को पता है अगर मैं अहमदाबाद में अहमदाबाद आईआईएम में से भी कोई पास आउट करके बाहर निकले का शायद इतना बड़ा पैकेज है कि नहीं पता नहीं, बट ऑफ कोर्स यहाँ पे फाउंडर्स प्लेटफॉर्म पे अगर आपको वो थोड़ी सी छोटी इनकम लग रही है तो फ्रेंड आप जा सकते हो एमरल्ड, उससे बड़ा मतलब इनकम हो सकता है। और दोस्तों अगर डायमंड जाएंगे तो डायमंड का दोस्तों शायद मैं गलत नहीं हूँ, मैंने जो डेटा पढ़ा है दोस्तों, राइट, कोर प्लस के अंदर दैट इज एनुअल इनकम एवरेज रहती है डायमंड पे 60 लाख, हाउ अबाउट दैट, राइट? 60 लाख एंड ऑफकोर्स अबव। अगर दोस्तों आज मेरी उम्र करीबन 22-23 साल की है और अगर आने वाले जैसे आप सबकी दुआओं के साथ, डैडी मम्मी के मेंटरशिप के साथ, ये 25 साल की उम्र में अगर दोस्तों डायमंडशिप कंप्लीट हो रही है और 25 साल की उम्र में अगर पॉकेट में 60 लाख की इनकम सालाना बन रही है, तो दोस्तों उससे बेहतर जवानी और कहां पे जा सकती है, राइट? तो दोस्तों यहाँ पे काम भी मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं खुद की इनकम भी कस्टमाइज कर सकता हूँ, मैं पूरी जिंदगी के साथ मेरे को जैसे बिजनेस को बिल्ड करना है, मेरे को जैसे इनकम को कमाना है, मैं उस तरह से एमए बिजनेस में काम कर सकता हूँ। तो अगर आप यंगस्टर हो, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जहाँ पे अपने खुद के टर्म्स पे खुद की तरह से आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हो। यहाँ पे कोई पाबंदी टाइम की नहीं है, यहाँ पे कोई पाबंदी प्लेस की नहीं है, यहाँ पे कोई पाबंदी कोई आदमी हो, इनफैक्ट आपके कुछ पाबंदी रहेगी नहीं, राइट? टोटली फ्लेक्सिबल,
सो यही दोस्तों, ये क्वेश्चन के ऊपर मैं कुछ बताना चाहता था। बाकी दोस्तों इट्स नॉट समथिंग कि हम लोग प्रिपरेशन करके बैठे हैं, ये हमारा प्रैक्टिकल है, जो प्रैक्टिकल बेसिस हम लोग कर रहे हैं वही क्वेश्चन के हम लोग आंसर दे रहे हैं। तो आई होप दोस्तों जो लैंग्वेज शायद मैं यूज कर रहा हूँ या फिर आंसर मेरे डैडी आपको दे रहे हैं या फिर रणवीर सर आपको दे रहे हैं या फिर मन्नत जी आपको दे रही है, शायद उस शब्द के ऊपर ना जाए लेकिन कंक्लूजन के ऊपर जाए व्हाट एक्चुअली वी वांट यू टू हियर फ्रॉम आवर आंसर्स। Thank you so much, back to sir. Absolutely, Manthan, and I think this is my business in my terms, and that word, that is what एक निचोर हम यहाँ से लेके जा सकते हैं। बहुत बढ़िया कहा आपने। Well, over to you, Manish. Thank you, Ari ji. Thank you, Manthan ji. Thank you, Mannat ma'am. आपने बात की gig economy के बारे में, और साथ साथ प्रवीण भाई और रणबीर जी ने हमें बताया कैसे MBA business मदद कर सकता है आने वाली generations को। तो मतलब शब्दों में बयां करना मुश्किल है कि मैं क्या कहूँ, लेकिन एक ही चीज कहना चाहूंगा आपकी ये चीजों को, ये बातों को सुनने के बाद, कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो रणवीर जी, अगला सवाल सर आपसे करना चाहूंगा मैं, और रणवीर जी सवाल ये है कि इस वक्त जो दौर चल रहा है और जो दौर हमने देखा COVID-19, एक ऐसा दौर जो हम सबके लिए काफी क्रिटिकल था, उस दौर से हम गुजर रहे थे, तब एमवे बिजनेस ने लोगों के जीवन में क्या बदलाव लाया, आपसे जानना चाहेंगे रणबीर जी। थैंक यू मनीष, बहुत अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा, वरना मैं जरूर कवर करता इसको। देखिए मैं आपको इसके दो पहलू बताता हूँ। पहली बात तो इसने सब कुछ बदला, पूरी इकोनॉमी बदल दी, लोगों का नजरिया बदल दिया एक दूसरे के प्रति, और कैसे कैसे ये बिजनेस आगे बढ़ेगा और कैसे वो इनकम कमाने वाले हैं, उस सब पे एक क्वेश्चन मार्क था। और मैं और प्रवीण जी जिस एरा से आ रहे हैं वहां पे हम लोग फिजिकल टच और मीटिंग्स, और हमने ज्यादा इसको ऑफलाइन बिजनेस बिल्ड किया सारा, मतलब अपनी डायमंडशिप वाज टोटली ऑफलाइन। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कुछ समय पहले तक हम लोग बोलते थे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम डिस्ट्रैक्शन है, आप लोग थोड़ा दूर रहिए इससे और इसे काम करिए। तो जब ये लॉकडाउन हुआ, पहले तो मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ, जब ये लॉकडाउन हुआ तो पहले 2-3 दिन तो समझ ही नहीं आया, और हम लोग को लगा चलो ये नेक्स्ट वीक लॉकडाउन बंद हो जाएगा और एक बात फिर ये लॉकडाउन खुलेगा, फिर से हम लोगों से मिलेंगे और हमारा बिजनेस नॉर्मल हो जाएगा जैसे हम पहले करते थे, लोगों के पास जाना, शहरों में जाना, मीटिंगें करना। पर जब ये अनाउंसमेंट हुआ कि ये लॉकडाउन अब लंबा होगा 2 या 3 महीने, सो वेरी क्विकली वी कुड अंडरस्टैंड, और एंड आई वुड यहाँ पे मैं स्पेशली एमवे को थैंक यू कहना चाहूंगा कि ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज थी कि मार्च में ये लॉकडाउन शुरू हुआ और उससे कुछ हफ्ते पहले एमवे ने अपनी ट्रेनिंग जूम ऑनलाइन शुरू कर दी। तो जब ये लॉकडाउन हुआ तो पीपल हैड गॉटन यूज्ड टू यूजिंग जूम ऑन एमवे ट्रेनिंग्स, और उसके बाद हम लोगों ने ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करना शुरू किया, और आई थिंक बाय 10th ऑफ अप्रैल वी वर टोटली ऑन टू इट, एंड उसके नेक्स्ट 3 मंथ्स में इस प्लेटफॉर्म ने हमारे बिजनेस को एक सेकेंड लेवल पर लेके चला गया। द काइंड ऑफ ग्रोथ दैट इज हैपनिंग, द काइंड ऑफ BFI और BBIs, as a matter of fact last month there were 2 new platinums in our team, last month there was a new ruby, aur itni zabardast growth ho saki because ki jo hamara karne ka tarika tha aur ye samajh mein aaya ki this is the new normal. Dusri cheez jo main aapko cover karna chahunga jo is pandemic mein logo ko madad kari aur woh thi sehat. Aaj everywhere people are talking about ke covid ka I don't know kya kaise padega, kya hoga, kab iska ilaaj aayega, but the best thing for us to be is to stay healthy aur apne immune system ko strong karo. So jo products the hamare aur itne saal se jab products le rahe the aur thank god koi bhi I don't think I'm a distributor ko ye corona ka samna karna pada, aur ye cheez badi achhi thi ki na sirf hamari income ko kuch zyada farak nahi pada but hamari sehat aur achhi rahi aur ye sari ki दोनों चीजें हम लोगों को दे पाए, है ना। आज जो न्यूक्लाइड की रेंज हमारे पास है, जो प्रोडक्ट्स हैं, और उनको देके हम ना सिर्फ लोगों को एक अच्छी सेहत दे पा रहे हैं, पर दूसरी चीज कि इतनी इनसिक्योरिटी जो आज मार्केट में है प्रोफेशंस को लेके, मेरे को लगता है कि इससे ज्यादा ओपन माइंडेड लोग कोई और नई चीज करने को कभी भी उत्सुक नहीं होंगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी सेकेंड पर्सन वी टॉक टू इज एक्सप्लोरिंग अबाउट न्यू अपॉर्चुनिटीज। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मनीष कि जो लोग इसको अडेप्ट कर लेंगे, जो लोग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, जैसे मंथन और मन्नत एक बिजनेस बिल्ड कर पा रहे हैं ऑनलाइन, जैसे आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कैसे ये सोशल मीडिया
आपको हेल्प कर सकते हैं अपने खुद के बिजनेस को डेवलप करने के लिए। जितनी जल्दी हम इसको अडॉप्ट करेंगे उतना ज्यादा हम ग्रो कर पाएंगे। और मैं आपसे यही बोलूंगा कि दिस इज द न्यू नॉर्मल। हम कभी आज से कुछ महीने पहले, पैंडेमिक से पहले, कभी सोच नहीं सकते थे कि प्रवीण भाई अहमदाबाद में बैठे हुए हैं, मैं इंदौर में हूँ, मनत इज इन मुंबई, अरिजीत इज इन मुंबई, और इतने हजारों लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग शहरों से। और जितने भी लोग आज हैं, मैं आपको यही बोलूंगा, ये बिल्कुल सही समय है इस बिजनेस को बिल्ड करने का। दो चीजें चाहिए होती है आपको जिंदगी में सफल होने के लिए दोस्त। एक है कि ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस प्लेटफॉर्म को यूज करके आप अपने सपनों को पूरे कर सकते हैं, और ऐसा और सिर्फ एक जबरदस्त प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट से आदमी करोड़पति बन जाता है। हमारे पास 150 से भी ज्यादा प्रोडक्ट है। तो दिस इज द राइट टाइम, यू गॉट टू चेंज योर माइंडसेट, एंड वंस यू डू दैट यू विल हैव अ ग्रेट बिजनेस। थैंक यू मनीष। थैंक यू सो मच रणबीर जी, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, स्वस्थ रहना, सुरक्षित रहना इस वक्त बड़ा जरूरी है। प्रवीण भाई आपके पास आते हैं, सर यही सवाल आपसे भी जानना चाहूंगा कि इस क्रिटिकल दौर में, COVID-19 पैंडेमिक में, पैंडेमिक के दौर में एमवे बिजनेस ने लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव लाया? प्रवीण जी, जी जी प्लीज, प्रवीण जी प्लीज, आप सुनाई दे रहे हैं, अनम्यूट कीजिए प्रवीण जी। प्रवीण भाई आप मंथन के कैमरा पे आ सकते हैं अगर आप चाहे तो। प्रवीण भाई, यू आर वेरी मच ऑडिबल सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू। हाँ थैंक यू। चलो मेरा स्क्रीन चेंज हो गया और मैं कुछ अलग सा दिख रहा हूँ इसमें। थैंक यू। लोगों की जिंदगी में बदलाव COVID-19 से जो आया शायद, और हमारी जिंदगी में पिछले लास्ट 4 months अगर मैं कहूँ तो दैट इज रियली आई ओपनिंग फॉर मी, मैनी लीडर्स एंड डेफिनेटली ऑल द डिस्ट्रीब्यूटर्स। नहीं, एमवे बिजनेस हम लोग जब शुरुआत से देखते थे, हमारे अपलाइन ने जब इस बिजनेस में, जब हम कोच कहते हैं, मेंटर कहते हैं, उन्होंने जब बिजनेस दिखाया था हमें, कुछ दिखा रहे थे वो कभी भी, मतलब एमवे बिजनेस में मतलब ट्रू सेंस ऑफ सक्सेस मिलती है। इन ट्रू सेंस ऑफ सक्सेस का मतलब शायद नहीं पता था, लेकिन वहां पे कहा जाता था कि इफ यू आर हैविंग सफिशिएंट मनी, पैसा इनफ है आपके पास जो आप खर्च कर पाते हो, अगर टाइम कंट्रोल आपके पास है, मतलब आप कहाँ पे रहने चाहिए, कहाँ पे होने चाहिए, अगर वो आपके कंट्रोल में है तो दैट इज अ ट्रू सक्सेस। ये दो चीजें हमें कही जाती थी कि टाइम एंड मनी बोथ शुड बी इन योर कंट्रोल। हाँ, शायद ये हमें उस टाइम फील नहीं कर पाते थे जब हम लोग प्रेजेंटेशन देखते थे तब भी, और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी मैं यही कहना चाहता हूँ। वी आर इन टू, मतलब मैं, मंथन और मीनाक्षी, हम लोग 15 मार्च से, शायद लॉकडाउन तो आया था 22 को, लेकिन हम लोग 15 मार्च से हमारे घर में है। मनीष जी भी जानते हैं, या जी संजीव जी भी जानते हैं, अरिजीत जी भी जानते हैं, राइट, कि हम लोग 15 मार्च से बाहर ही नहीं निकले। इट्स अराउंड 4 months, पर 4 months में हमने देखा हमारे बिजनेस को बढ़ते हुए, हमारी इनकम को भी आगे ले जाते हुए, और मार्केट में हमने बाकी सब बिजनेसेस को भी देखे। दोस्त हमारे इर्द गिर्द वाले, हमारे दोस्तों की अगर बात करें ना, तो हमारे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड जिनका एक शोरूम जिन्होंने अभी शुरू किया था फ्यू मंथ्स बैक, एक्सपेक्टेशन उनका तो ये था कि इसके अंदर मैं बहुत कमाऊंगा, बहुत कुछ। दूसरे हमारे रियल ब्रदर की बात करें, उन्होंने एक होटल शुरू किया था बहुत अच्छी जगह पे, क्यों, इनफैक्ट आई थिंक 12 to 15 months बैक, इन्वेस्टमेंट ह्यूज, एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छा था कि इसमें बहुत कुछ लेके आएंगे। एटलीस्ट कह सकते हैं दोस्त, सिंस लास्ट 4 months क्या हो सकता है उनके साथ, मुझे शायद स्क्रीन से बताने की जरूरत नहीं है क्या हो सकता है उनके साथ। शायद जिस रेंटेड जगह पे उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट किया था बिजनेस को, शायद वो रेंट निकालना, शायद वो उनके पास जो सैलरी पर्सन जो रखे थे उनको सैलरी देना, उनको संभालना, पोषना, शायद पता नहीं उनको क्या करना है अभी। अपने बिजनेस में देखा जाए तो परसों में बड़ौदा में था, बड़ौदा में था, मुझे बहुत ही सैड न्यूज मिला। हमारे एक डॉक्टर फ्रेंड है, उनके एक दोस्त, इनफैक्ट उनसे जूनियर थे, 3 दिन में, विद इन 3 डेज, 3 दिन पहले उनको सिम्टम्स आए
एंड यस्टरडे मतलब एक बहुत ही गलत न्यूज आया, मतलब सैड न्यूज आया कि ही इज नो मोर अराउंड एज 48-49 ही वाज एमडी फिजिशियन. पैसा बहुत अच्छा, प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, लेकिन इट्स अ वेरी सैड न्यूज. बहुत सारा ऐसा कह सकते हैं तो उस लोगों का लाइफस्टाइल इस बिजनेस के अंदर क्या हो सकता है और मार्केट में क्या है, ये थोड़ा सा हमें समझने में 10 फीट लगे. 4 महीने में बहुत हमने अपने आप को एनालिसिस किया. मेरे खुद की बात करूं, मेरे बड़े ब्रदर ही इज अ सुपर क्लास ऑफिसर इन गवर्नमेंट. उनको एक दिन की भी छुट्टी नहीं थी, मतलब वो मदर हमारे लूनावाड़ा में है, हमारे नेटिव प्लेस में. उनको कह सकते हैं दोस्त कि एज ए सुपर क्लास ऑफिसर उनके पास सब कुछ था बिफोर कोविड अगर देखा जाए तो. लेकिन हमें ये 4 महीने में पता चल गया टाइम उनके कंट्रोल में नहीं था. लेकिन 4 मंथ्स में हमें क्या लगा कि अगर मदर को जरूरत है हमारी तो हम लोग उनके साथ है, टाइम कंट्रोल राइट. और सबसे बड़ी बात दोस्त क्या पता है, टूवर्ड्स दिस बिजनेस अगर मुझे बहुत ज्यादा पैशन और पहले था लेकिन अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है. और मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ हमारे एमवे के, इनफैक्ट कह सकते हैं दोस्त मैनेजमेंट और एवरी बड़ी राइट. मार्केट में बिजनेस जैसे ही कोलैप्स हुए बाकी सब बिजनेस, लोगों की सैलरी जो थी वो 10%, 20%, 30%, 40%, 50% तक काट दिया गया. और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर सबको याद है दोस्त कि जब लोगों की सैलरी कम किया जाती थी, कम कर दी गई बाकी सब कंपनियों ने, हमारी कंपनी ने हमारे पीवीस को 40% बढ़ा के दे दिया. मेक भी वो आपकी इनकम को इम्पैक्ट कर गया होगा लेकिन यहाँ पे हमें बढ़ा के दिया. बाकी सब जगह बोला दोस्त हम लोग अभी आपको प्रोडक्ट्स नहीं दे सकते, आपको सपोर्ट नहीं कर सकते. और हमारी कंपनी ने क्या करके दिया, 500 रुपये के टर्नओवर, 500 रुपये के ऑर्डरिंग पर डिलीवरी फ्री. कैन यू बिलीव दैट ऐसे टाइम पे कि जब लोगों को प्रोडक्ट पहुंचानी मुश्किल है. शायद इसका आप किस हिसाब से ये पॉजिटिवली इसको ले रहे हो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है कि जब अभी मार्केट में प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना राइट, लोग नहीं मिल रहे होंगे, स्टाफ नहीं मिल रहा होगा, पैसा ज्यादा देना पड़ रहा होगा, फिर भी कंपनी ने इसी टाइम पे डिसीजन लिया गया 500 रुपया पे डिलीवरी फ्री. मैं डेफिनेटली उसमें ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ. थैंक गॉड कि मैंने कभी एमवे बिजनेस बिल्ड करने का डिसीजन लिया था. ये हालत आने वाले मुझे कभी पता नहीं था. बिलीव मी दोस्त, मैं अभी स्क्रीन से बोल रहा हूँ, इट्स अ फैक्ट विद मी. जब हम लोगों का बिजनेस अप्रैल की इनकम जब मई में जब हमारे अकाउंट में आई, अप्रैल की इनकम जब मई में हमारे अकाउंट में आई, देयर वाज अ गुड इनकम, बहुत अच्छी इनकम थी क्योंकि वो मार्च से ज्यादा वाली इनकम थी. लेकिन अच्छी बात क्या थी पता है, हम लोग रेगुलर लोग जब जीएसटी पे करते हैं तो जीएसटी ऑफिस से एक कर्टसी फोन आया जस्ट टू से थैंक यू कि आपने सही टाइम पे हमारा जीएसटी पे कर दिया. लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसे कैसे कि बाकी सब बिजनेसेस के जो रेगुलर लेवल पे जीएसटी बढ़ते थे, जो इनकम उनकी होती थी उनकी कम हो गई है, लेकिन आपकी इनकम बढ़ी कैसे लॉकडाउन में. दे वर सरप्राइज, कैन यू बिलीव दैट. ये सबसे बड़ा इनफैक्ट कह सकते हैं दोस्त हमारे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड कह सकते हैं. एंड बिलीव मी पिछले 3 महीने से बाहर ही नहीं जा रहे. अच्छा क्या बात हो गया पता है, जूम के कारण हमारा बिजनेस तो बिल हो रहा है लेकिन खर्चा बंद हो गया. मनीष जी हमारे सब मैम से हमको पता है हमारी गाड़ी कितनी भागती है रेगुलर लेवल पे बिजनेस बिल्ड करने के लिए. अरे यार पिछले 4 महीने से डीजल का खर्चा बंद हो गया लेकिन पैसा बढ़ रहा है, क्या करें यार. वो कमी जब भी अकाउंट में ओपन करता हूँ कमी नहीं हो रहा है उसके अंदर. दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ एमवे बिजनेस दोस्तों, पैसा मिल रहा है, दूसरी चीज टाइम, फुल इन कंट्रोल. दोस्तों अगर आप इस बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं है तो इट्स ऑल अबाउट ऊपर वाले का ब्लेसिंग आपके साथ है. ऐसे ही नहीं है दोस्त, हाँ आप आ गए ऐसे ही आपको ऐसा लगता है लेकिन ऊपर वाले के गाइडेंस है. मैं बाय हार्ट ही फील कर रहा हूँ क्योंकि आज जब हम मदर के साथ रह पाते अपने टाइम के हिसाब से, मैं हम मंथन के साथ मीनाक्षी के साथ हम लोग मजे करते रहते हैं. इट्स ऑल अबाउट टेकिंग अ पॉजिटिव डिसीजन हमने जब लिया था और उसका आज हम लोग फ्रूट्स आज हम लोग ले रहे हैं और ये आपके साथ भी हो सकता है राइट. रियली आई फील ब्लेस्ड कि मैं एमवे में हूँ. आप ये फीलिंग लेने चाहिए. थैंक यू वेरी मच मनीष जी, थैंक यू फॉर ग्रेट. थैंक यू सो मच प्रवीण भाई. एंड इट वाज यू नो शब्दों में बयान नहीं हो सकता आपने जो बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर. ओवर टू यू हरीश जी. Right, so Praveen ji, I think that was a good perspective jo aapne diya. You know, even during a time of COVID, jahan pe bahut sare logon ko lag raha tha ki, you know, hamare liye cheeze limited hote ja rahi hai, hamare liye options limited hote ja rahi hai. Aapko isme ek opportunity dikhi aur jaise aapne wo GST office ka example diya, and that's amazing. You know, how it's about aap us glass ko aadha pani bhara hua dekhna chahte hai ki aadha khali dekhna chahte hai. That's the question. So you saw it as half full, and that's the opportunity you saw. That's amazing, Praveen ji, and thank you so much for those, you know, inspiring stories jo aapne batayi aur apne doston ke bare mein, friends ke bare mein jo batayi. Well, aaiye yahan se aage badhte hain aur mera agla sawal hai Manthan aapke liye. So, you know, main aapka jab main padh raha tha introduction aur maine dekha ki 18 saal mein aapne business ko join kiya and bahut jaldi, you know, you went and became
प्लैटिनम, नॉट जस्ट प्लैटिनम, 400 प्लैटिनम, एंड अभी आप प्लान करें कि यू नो 25 साल की उम्र तक यू लुकिंग एट बिकमिंग वन ऑफ द यंगेस्ट डायमंड इन द हिस्ट्री एक्चुअली, एंड दैट्स अ प्लान पॉसिबली, एंड आई एम श्योर वो होगा जरूर. बट व्हाइल यू आर बिल्डिंग द बिजनेस एंड व्हाइल एवरीथिंग लुक्स लाइक यू नो हमारे को बाहर से दिखता है, आज आज हमारे दर्शकों में बहुत सारे यूथ है जो यहाँ पे ज्वाइन किए हैं और जो आपको सुन रहे हैं, ट्रस्ट मी बहुत सारे लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं, देख रहे हैं आज यहाँ पे, और शायद सब ये जानना चाहते हैं क्या सारा चीज आपके लिए एक आइसक्रीम जैसा था, आपने खाया और हो गया, और क्या इसमें कुछ डिफिकल्टीज भी थी जब आप इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे. सो क्या वो छोटी छोटी शायद डिफिकल्टी थी जो आपको लगा जिसको आपने ओवरकम किया, सो अगर आप उसमें थोड़ी सी प्रकाश डाल सके. Oh, wonderful. Thank you, sir, for this wonderful question. Just a second. Okay. Right. Thank you, sir, for this wonderful question. Dosto, agar main question ko aage likh ke jaau, to usme chahta hu dosto, sabse pehle main quote ye hindi ka bolna chahta hu aapko ke dur dur se jis ganga mein log dubki lagane ke liye aaya karte the, wo ganga mere ghar se nikalti hai. Matlab दोस्तों जो चैलेंजेस या फिर जो सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए लोग मेरे घर में आते थे डैडी मम्मी से काउंसिल लेने के लिए, वो खुद गंगा, वो मेरे पेरेंट्स 24/7 मेरे इनगिट थे. मतलब कोई भी चैलेंजेस है या फिर कोई भी दिक्कत है तो मेरे को बाहर निकालने के लिए वो ऑलवेज रेडी होते थे. बिकॉज जब एमवे की बात आती है तो वो डैडी मम्मी नहीं है, दे आर नॉट प्रवीण मीनाक्षी. तुरंत दोस्तों एमवे की बात आता ही टाइम दोस्तों वो मेरे मेंटर्स बनते हैं, वो मेरी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, वो मेरे को सिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये सिचुएशन बनते हैं, देखो बाहर निकलना है. लेकिन दोस्तों मैं अगर बताऊँ, अगर सर आइसक्रीम वर्ड यूज किया, राइट, आइसक्रीम, तो आइसक्रीम जैसा तो नहीं था. ऑफकोर्स डेफिनेटली आइसक्रीम के नीचे जो कोन रहता है जो थोड़ा सा सॉफ्ट भी रहता है, थोड़ा सा हार्ड भी रहता है, वैसा हो गया था सर, राइट. इट्स नॉट पर्टिकुलर लाइट आइसक्रीम. बट अगर मैं एक एग्जांपल दूं दोस्तों, जब मैंने बिजनेस में शुरू किया ना, लोगों को ये लगता है कि हाँ ये डायमंड्स के लड़के, ये ईडीसी के लड़के, तो मतलब ये बिजनेस में यूं आगे बढ़ेंगे, राइट. तो दोस्तों अभी मार्केट में बॉलीवुड में सबसे ज्यादा क्या चल रहा है अभी, कि जितने गॉडफादर्स है उनके अगर बेटे हीरोइन बनेंगे, हीरो बनेंगे, तो वो बॉलीवुड में बहुत चलेंगे, राइट. तो उसके ऊपर भी बहुत चर्चा चल रही है मार्केट में. दोस्तों ऐसा एमवे में कुछ नहीं है, राइट. मतलब डैडी मम्मी ईडीसीज है, दे आर डायमंड्स. तो फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मन्नत जी और को भी है, तो वो लोग सीधा एक अलग ही लेवल से शुरू करेंगे. दे मतलब उनको भी स्टार्ट करना है फ्रॉम बेसिक्स. अगर अमिताभ बच्चन भी शुरू करेगा तो फ्रॉम 3%, इवन नॉट 3% विद सीएसआई, राइट. तो वहां से वो शुरू करेंगे, तो वहां से बेसिक शुरू किया दोस्तों, तो कहीं ना कहीं जाकर के लोगों को ये लगता है. तो ऑफकोर्स अगर कोई ये बोलता है कि हाँ आपके पेरेंट्स डायमंड है इसलिए बिजनेस को जल्दी कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली मैं उनको मना नहीं करूंगा. मैं हाँ बोलूंगा कि यस, हमारे पेरेंट्स शायद डायमंड है, अगर वो ईडीसीज है इसलिए हम लोग ज्यादा कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हमारे पास है, राइट. अगर डैडी के पास 19 साल का एक्सपीरियंस है तो मेरे पास 19 साल प्लस 4 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास. तो मेरे पास डैडी से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस मेरे पास है, राइट. तो अल्टीमेटली क्या हो दोस्तों, पहले मैं ये सोच रहा था कि ये बिजनेस बहुत ही फटाफट हो जाएगा, डैडी मम्मी मेरे साथ आएंगे, लोगों को प्रोडक्ट दिखाने के लिए आएंगे, प्लान दिखाने के लिए आएंगे. बट यू वुड बिलीव गाइस, मेरा पहला जो डेमो था उसमें डैडी मम्मी ने बताया कि तेरे को अकेले को जाना है, लास्ट टाइम पे तेरे को अकेले को जाना है. और दोस्तों मैं एक वो सिचुएशन आपको आपके सामने रखने वाला हूँ दोस्तों, राइट. मैं मेरे कॉलेज खत्म होने के बाद तुरंत ही मेरे क्लासमेट के घर पे गया था उसको डेमो दिखाने के लिए. आई वाज उसके घर पे मैं बैठा हूँ, टेबल है और सामने ऐसे ही पड़ा है, एक्स डिटर्जेंट पड़ा है, वहां पे दो डब्बिया पड़ी, दो के अंदर पानी पड़ा है. मैं घर से डेमो सीख करके गया क्योंकि डैडी मम्मी तो साथ में है नहीं, मेरे लाइफ का फर्स्ट डेमो. और उसके अंदर मैंने एक बार ऐसे ही डाला, उसके बाद मैंने एक्स ब्रांड का डिटर्जेंट डाला और सामने जैसे कि एक्स ब्रांड टूथपेस्ट पड़ा है, हमारा ग्लिस्टर टूथपेस्ट पड़ा है और दो तीन चीज पड़ी है. बट आई वाज सो नर्वस एट दैट टाइम, मेरे को सामने वो हल्दी दिख रही है कि ये हल्दी को अभी मेरे को एसिड में डालना है और उसके बाद एक्स डिटर्जेंट में डालना है, लेकिन वो हल्दी मेरे माइंड में आई नहीं रही. आई वाज सो कंफ्यूज एट दैट टाइम. वो मेरा पहला डेमो था. और उसके बाद दोस्तों मैंने डैडी को कॉल किया, अब मैं क्या करूँ, डैडी बोल अभी हल्दी डालने की जरूरत है, तो उसको घर पे आया वापस दूसरे दिन जाना. तो उस दिन मैं बता करके आया था कि ये मेरा पहला डेमो है, आई एम सॉरी मेरे को नहीं आया, लेकिन मैं वापस सीख के आया, सीख के आऊंगा. और दोस्तों वापस सीख कर भी गया और आज मेरा वो परमानेंट क्लाइंट है, वो भी प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, राइट. तो लोगों को ये लगता है कि पेरेंट्स हैं तो साथ में फील्ड में जाते होंगे. दोस्तों हमारे घर में काउंसलिंग होता है लेकिन फील्ड में हम खुद जाते हैं. तो दोस्तों जो दिक्कत एक सिंगल एबीओ को आती है वही दिक्कत शायद हमको भी आ सकती है. लोग मना कर रहे हैं, राइट, लोगों को बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट शायद महंगी है, ये है, वो है. तो दोस्तों वो भी हम फेस करना सीखते हैं धीरे धीरे करते. लेकिन दोस्तों डैडी मम्मी की अगर बात करूँ, वो लोग ने परफेक्ट मेंटरशिप का रोल प्ले किया और दोस्तों मैंने उनको समर्पित भी किया कि यस अगर आप बोलेंगे डेफिनेटली मैं वो चीज करूंगा. जैसे थोड़ा सा एग्जांपल और देना चाहता हूँ दोस्तों, मैं मेरी 18th या फिर 19th बर्थडे में मैं चाहता था कि मैं बाइक लूँ खुद के पैसों का, क्योंकि एट दैट टाइम आई वाज गोल्ड इन दिस बिजनेस. तो डैडी मम्मी ने बताया कि तू एक काम कर, बाइक लेगा उससे बेहतर है, गाड़ी ले ले, डाउन जितना तू बाइक में डालना चाहता है पैसा, शायद वो करीबन 2 लाख की बाइक थी. तो डैडी ने बोला था डाउन पेमेंट देकर अपनी गाड़ी ले ले, लोगों के लिए ड्रीम बन जाएगा. तो उनका मैंने बात सुन के बाइक का ड्रीम मैंने गाड़ी में कन्वर्ट किया. और आज दोस्तों जब भी मैं जहाँ पे भी जाता हूँ लोग बोलते हैं यही मंथन है जिन्होंने एमए के पैसे से खुद की गाड़ी परचेस की, यही मंथन है जब खुद के पैसे से गाड़ी परचेस की है. तो साथ उसका अगर टोल पे करना है, उसका पेट्रोल पे करना है, सर्विस करती है, खुद मेरे पॉकेट से उसकी इनकम जाती है,
राइट। तो दोस्तों ऐसे छोटे छोटे चैलेंजेस में मेंटर्स का रोल एडिबम ने प्ले किया। एक आखिरी चीज मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि कहां पे दोस्तों और मेरे चैलेंजेस दिक्कत आई। दोस्तों 18 साल की उम्र में मैंने बिजनेस को शुरू किया ना, तो ये उम्र में क्या होता दोस्तों, लोगों को पार्टी करनी है, लोगों के साथ घूमना है, उनको नाइट आउट भी करना है, उनको बर्थडे पार्टी में भी जाना है, उनको हर मूवीज को पहले शो में पहले दिन पे उनको हर मूवीज को देखना है, और उसके साथ बिजनेस में सिल्वर भी जाना है, गोल्ड भी जाना है, प्लेटिनम भी जाना है। दोस्तों फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब मैंने डैडी को बोला था कि डैडी यस आई वांट टू बिल्ड दिस बिजनेस बिग टाइम, उसी दिन से डैडी ने मेरे को बताया था कि मंथन अगर ये बिजनेस को तो सिंसियरली बिल्ड करना चाहता है तो एक कोर एबीओ की तरह बिजनेस को बिल्ड करना पड़ेगा, सबको डिलेट डेडिफिकेशन चलेगा राइट। हर वो तेरे फ्रेंड जो बिजनेस में नहीं है तेरे को उनसे थोड़ा सा अलग रहना है, हर वो फ्रेंड जो पार्टियां करते हैं तेरे को उनसे अलग रहना है, हर वो लोग जो तेरे को कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं उनसे अलग रहना है। वो मेरे पहले टफ था क्योंकि वही मेरी जिंदगी थी, वही मेरे फ्रेंड्स थे राइट, जहाँ पे मैं उनके साथ रात पे जाकर के घुमा करता था, बाइकिंग में जाता था, हम लोग हाइकिंग पे जाते थे, हम लोग मूवीज देखने के लिए जा रहे, पार्टी करने के लिए जा रहे, और घर पे अगर डैडी बोल से देखो उनसे दूर जाना है क्यों अगर बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो वो मेरे लिए चैलेंजेस थे दोस्तों कि कैसे मैं अपने कॉलेज के फ्रेंड्स से दूर रहूं। लेकिन दोस्तों जैसे दूर रहना शुरू किया, दूर रहने का मतलब है दोस्तों माइंड में डोमिनेंट थॉट प्रोसेस बनना। डोमिनेंट थॉट प्रोसेस मतलब कि वो ऐसे थॉट्स जो 24 घंटे में आपके दिमाग में सबसे ज्यादा निकले, दैट इज डोमिनेंट थॉट प्रोसेस। लेकिन दोस्तों अगर मैं कॉलेज में भी जा रहा हूँ, अगर मैं फ्रेंड्स के साथ घूम भी रहा हूँ, अगर मैं मीटिंग में भी जा रहा हूँ, तो डोमिनेंट थॉट प्रोसेस बनेंगे नहीं है बिजनेस में आगे जाने के लिए। लेकिन दोस्तों जैसे उनसे अलग हो गया, आज क्या है राइट, आज हम लोग विदेश यात्राएं करते हैं दोस्तों। वो लोग जब भी कुछ बाहर जाते थे तो मेरे को सेल्फी लेकर डालते थे कि मंथन वी मिस यू अ लॉट। दोस्तों अब मैं हर साल विदेश यात्रा में जाता हूँ, मेरी सेल्फी उनको भेजता हूँ कि आप सबने मिलकर के मेरे को मिस किया, आज मैं अकेला आप सभी लोगों को मिस करता हूँ राइट। तो ये छोटी मोटी मेरी चैलेंजेस रही थी दोस्तों, जो शायद आपकी भी हो सकती है यंग एज पे। लेकिन दोस्तों और एक चीज अफकोर्स बताना चाहता हूँ राइट, मेरे मोबाइल में दोस्तों ना ही कोई गेम रही है, मेरे मोबाइल में दोस्तों ना ही कोई सोशल एप्लीकेशन और रही है दोस्तों। ऑफकोर्स एक साल से मैं इंस्टाग्राम फेसबुक को यूज कर रहा हूँ, लेकिन जब पहली बार मेरे को किसी ने इंस्टाग्राम बताया था तब मैं बोल रहा था ये क्या फालतू का टाइम पास है। लेकिन दोस्तों जब पता चला इंस्टाग्राम से बिजनेस हो सकता है तब मैं इंस्टाग्राम पे आया, लेकिन तब तक मेरे पास इंस्टाग्राम नहीं था, नाइदर मैं फेसबुक पे इतना लाइव होता था, ना मेरे मोबाइल में 18 साल के बाद कोई गेम आई है मेरे मोबाइल में खेलने के लिए। तो ऑफकोर्स ये छोटी मोटी चैलेंजेस रहती है दोस्तों जो 18, 19, 20, 21, 22 साल की उम्र में हमको थोड़ी सी दिखनी पड़ती है, लेकिन अगर थोड़ा सा उसमें देख लेंगे तो इस बिजनेस को बहुत ही बड़ा बना पाएंगे। सो थैंक यू। सबसे बड़ी चैलेंज ये हो सकती है कि 24 घंटे अपने मेंटर्स और कोच के साथ रहना। ये दिक्कत तो दोस्तों आप नहीं समझेंगे, राइट? Absolutely, well said, प्रवीण जी, and well said, मंथन। I think it talks a lot, इसलिए हमेशा मुझे ये लगा है कि जब ये एमवे वालों के जो बच्चे होते हैं वो बाकियों से थोड़े अलग क्यों होते हैं, बिकॉज दे लुक सो फोकस एंड दे सीन देयर पेरेंट्स यू नो बिल्डिंग दिस बिजनेस अप। बट जैसे आपने बताया कि कोई लॉलीपॉप या आइसक्रीम नहीं है कि आपने बिजनेस को शुरुआत कर दी जस्ट बिकॉज आपके पेरेंट्स इस बिजनेस में थे। सो वेल सेड। वेल, इसके पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं दर्शकों को बता दूं हमारे यहाँ पे जो सबसे पहले आप सभी को बहुत बड़ा थैंक यू, बिकॉज मुझे अभी अभी न्यूज आ रही है मेरे बैकएंड टीम से कि करीबन 5,000 से ज्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं थ्रू जूम एंड थ्रू बेसिकली दोनों यूट्यूब से। So, 5,000 से ज्यादा लोग, that's quite an amazing response. Thank you so much, सभी लोगों को जुड़ने के लिए। बट हम अभी कंटिन्यू करेंगे, जाइएगा मत कहीं। वेल, मेरा अगला सवाल है मन्नत से। सो मन्नत, अ सिमिलर थिंग फॉर यू, बट यू नो कंसिडरिंग कि यू नो आपके फादर इस बिजनेस में, मदर पहले से इस बिजनेस में है, यू नो दे बीन हियर इन द बिजनेस फ्रॉम द टाइम, इनफैक्ट बिफोर वी स्टार्टेड आवर कमर्शियल ऑपरेशन में देख रहा था, उन्होंने अप्रैल में ज्वाइन किया था और हमने 5 मई को कमर्शियल ऑपरेशन शुरू की थी। सो दे बीन इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कम टू योर हाउस एंड यू नो वो बोलते हैं कि यू नो आप अच्छा ये डायमंड है और आप डायमंड की बेटी है। Right. Correct. So, apart from being saying, you know, it possibly is easy for you, it possibly has a lot of expectation from you, you know, ki aapke, you know, parents to yaar diamond, aapke liye to aasan rahega. And then aapke expectation build ho jati ki aap to karna chahiye karke. So, how do you handle that? And plus, what are the other challenges jo aapko lagta hai, you know, is business mein aapko, you know, face hota hai? Thank you. I absolutely agree because, you know, even Manthan was talking about expectations very high. I think nepotism didn't work here. It does work in my industry. But yahan pe wo nahi tha. And plus, you know, our parents are somebody jo hume push karenge to learn from our struggles. They'll tell us to go in the field and work through it. So I think that was one of the major things which, you know, helped. And log aake bolte the, but people talk, your work should speak more. Aapka kaam zyada bolna chahiye. That was and ek right mentorship bahut important hoti hai. So my father and my mother always taught me ki you know this business has changed our life. If you wish to pursue it, to aapki bhi life change hogi.
तो उन्होंने ऐसे ही करके मुझे सिखाया था. एंड एट द एंड ऑफ द डे आप दूसरे लोगों का सुनने की जगह अपने मेंटर्स का सुने. घर पे मेरे मेंटर्स थे, आई वाज रियली लकी कि मैं उनसे बहुत इजीली एक्सेसिबल थी. एंड कभी भी मुझे कुछ डाउट होता था तो मैं चली जाती थी उनके पास. एंड आई थिंक मेरे पापा पर्टिकुलरली उन्होंने काफी इजी कर दिया था बिकॉज ही इज वेरी गुड एट कनेक्टिंग विथ यूथ. सो जब मैंने इनिशियली बिजनेस स्टार्ट करा था एंड आई हैड अ लॉट ऑफ यूथ लीडर्स कमिंग इन द बिजनेस, तो मेरे फादर उनसे बहुत इजीली कनेक्ट हो जाते थे. वो रादर मेरे से ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स मेरे फादर के बन जाते थे. सो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द प्लस पॉइंट्स. डिफिकल्टीज और स्ट्रगल्स की अगर मैं बात करूँ तो वन थिंग अगेन ही सेज इज दैट अगर आपकी स्टोरी में देयर आर नो डिफिकल्टीज एंड स्ट्रगल्स, सो आपकी व्हाट विल योर स्टोरी बी, व्हाट आर यू गोना टेल द वर्ल्ड. सो नथिंग इज ईजी, एब्सोल्युटली नथिंग इज ईजी. द प्रोफेशन दैट आई एम इन, एक्टिंग मॉडलिंग इज नॉट ईजी. जो चीजें आती है आप अगर आप स्ट्रगल्स के थ्रू जाते हैं तो आप उस चीज को ज्यादा वैल्यू भी करते हैं. सो आई थिंक स्टार्टिंग इनिशियली में व्हेन आई स्टार्टेड मॉडलिंग मैनेजिंग टू डिफरेंट जॉब्स वर्क्स वाज अ लिटिल डिफिकल्ट मेरे लिए. एंड यू नो बिकॉज मेरा ट्रैवलिंग होता था, मॉडलिंग टुक मी टू मेनी सिटीज, ट्रैवलिंग अब्रॉड एंड एवरीथिंग, तो काम के लिए मैं ट्रैवल करती रहती. तो हाउ टू मैनेज दिस बिजनेस वो समझने में मुझे थोड़ी मुश्किल हुई इन द बिगिनिंग. बट विद द राइट मेंटरशिप विद माई फादर और अपलाइंस बहुत इजीली वो था टू गेन एक्सेस टू इट एंड यू नो लर्न हाउ टू ओवरकम दैट. उसके अलावा आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड द बिजनेस आई वाज वेरी यंग, आई वाज 18-19 और मैं काफी पहले से ये करना चाहती थी. सो उस टाइम पे आई वाज रियली एक्साइटेड. जो आपको एक्साइटमेंट होता है व्हेन यू स्टार्ट द बिजनेस, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी और मुझे मेरे जैसे एक्साइटेड लोग मिलते थे पर वो उतने कंसिस्टेंट नहीं होते थे. बिकॉज व्हेन यू 18, जब आप 18 के होते हो तब जैसे कि मंथन ने बोला बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं. सो आई वाज रेडी टू गिव अप दोस डिस्ट्रैक्शंस. बहुत सारे ऐसे लोग थे जो रेडी नहीं थे. उसके लिए अगेन माय फादर माय मेंटर्स हेल्प्ड मी कि मैं कैसे आई चूज द राइट पीपल और उनको बिजनेस में लाओ, एक डिफरेंट आउटलुक, एक बिजनेस माइंड के साथ काम करो. आई थिंक वहां पे दे हेल्प मी, बट दैट वाज क्वाइट अ स्ट्रगल व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ. और यू नो अपार्ट फ्रॉम दैट इनिशियली it was a big issue for me to be a people's person because I have always been a very shy person. Jab main school mein bhi thi, I didn't have a lot of friends. It's very hard to believe because I went on to go in Miss India uske baad. But it was very hard for me to actually go and make friends and talk to people. So bahut mushkil tha mere liye wo karna. And फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपने आप को डेवलप करा, स्किल डेवलप करी, बहुत सारी बुक्स पढ़ी मेरे पापा के मेंटरशिप के साथ, मामा के मेंटरशिप के साथ. आई कुड गो फॉरवर्ड विद इट एंड आज टुडे आई एम स्पीकिंग टू ओवर 5000 पीपल. तो ये चीज थी, दीज वर सम ऑफ माय स्ट्रगल्स. बट यू नो व्हेन यू गो पास्ट इट तब आपको समझ आता है कि ऑल ऑफ दैट वाज वर्थ इट एंड यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट. और आई थिंक नन ऑफ इट वुड हैव एवर बीन पॉसिबल बिकॉज विदाउट माई पेरेंट्स, विदाउट माई मेंटर्स, दैट्स व्हाट आई कॉल देम. And you know, unka right guidance, because when you're stuck somewhere, you have to go to somebody, you have to go to your mentors so that they help you. So I think ye mujhe wahan pe bahut help kara tha. And that was my struggles. And I'm glad ki I've overcome that with time. Thank you, Arjit. Thank you so much, Pandit. I think that was great. And before, you know, take a, you know, leave, I want to get a last comment from you as to, a last comment from you as to you know, any message that you have for the youth. I think the biggest message is, you know, you have such inspiring people talking to you. You know, Manthan ko aap dekh lijiye, uska the way he speaks, speech pattern, aisa lagta nahi that a 23-year-old is talking, who has so much experience. इतना experience जो लोग job में हैं, जिनके 50-50 लाख के package होते हैं, इतना उनका command on language and on business and knowledge नहीं हो पाता है. But because of the values that this business has brought into our lives, हमें बचपन से पता था, you know, the value of having big dreams, the value of, you know, being having your own standing, अपनी lifestyle को build करना, एक dream, एक goal की value हमें बचपन से बताई गई थी. Principles को कैसे follow करो, एक idealistic mind के साथ हमें बड़ा किया गया था. तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मेजर थिंग्स. सेकंड, यू नो, एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है अबाउट दिस बिजनेस, व्हिच माय फादर टोल्ड मी दैट, यू नो, देयर आर नो सबॉर्डिनेट्स और देयर आर नो अप पीपल, यू नो, देयर आर नो बॉस, बट यू ऑल वर्क टुगेदर एज अ टीम. सो यू वर्क विद पीपल रादर देन वर्किंग फॉर पीपल. आई थिंक दैट इज वन मेजर थिंग. और द यूथ, द पीपल हु आर हियर, यू नो दैट वी आर वेरी टेक सैवी पीपल. हम लोग इस चीज का बहुत अच्छे से एडवांटेज ले सकते हैं. वी आर टेक सैवी, वी आर आइडियलिस्टिक पीपल. And we always look for new opportunities. So I think this is the opportunity that there is. And you know, if you're a second generation leader, your parents, with their wisdom, your enthusiasm and your energy, we can take this business to a huge height.
एंड आई थिंक दैट्स अबाउट इट आई इट वाज बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर कि मैं आप लोगों से आज बात कर पाई थैंक यू सो मच आईजी सर मनीष एवरीबॉडी माय पेरेंट्स मिस्टर पाटिलिया मंथन एवरीबॉडी फॉर हैविंग मी हियर आई होप आपको थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिले इट इज अ लॉन्ग रोड बट विद प्रॉपर पर्सिस्टेंस एंड पैशन यू कैन गो थैंक यू Thank you, Manthan. Manhat. And I trust me. Trust me. It is not thoda sa inspiration. Ye bahut sara inspiration hai. So thank you so much for that. Well, I will ask the last comment from Manthan also. So Manthan, last comment from you. Any message for the youth, today's youth? Okay. दोस्तों यूथ के लिए अगर कुछ मैं बताना चाहूँ तो जैसे अपने बोलते ना कि अपना टाइम आएगा मैं एक चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों अपना टाइम आएगा नहीं अपना टाइम ऑलरेडी आ चुका है राइट ऑलरेडी दोस्तों जिंदगी में हम जब भी आगे बढ़ते हैं तो दो चीज हमको मोटिवेट करती है इधर हमको ड्रीम मोटिवेट करता है इधर हमको फियर मोटिवेट करता है राइट ये बिजनेस में आप ड्रीम भी बना सकते हो कि आपको कैसे कितने पैसे बनाने हैं क्या करना है क्या नहीं करना है लेकिन दोस्तों अब तो शायद हमारे जैसे बच्चों का फियर मोटिवेट करता है कि करना बहुत कुछ है स्किल्स हमारे पास बहुत है हम लोग पढ़ने के लिए तैयार है हम लोग डिग्री लेने के लिए तैयार है हम लोग हर यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ने के लिए तैयार है लेकिन व्हाट नेक्स्ट राइट अगर मेरे पास पत्ता आ गया एक अच्छी यूनिवर्सिटी का लेकिन उस पत्ते पे अगर मैं कहाँ पे जाकर अपने आपको रखूंगा कहाँ पे जाकर अपने बिजनेस खुद की जॉब को मैं करूंगा राइट तो अल्टीमेटली आज हमारे जैसे बच्चों के लिए आज क्या है दोस्तों आज हमारे पास फियर भी है राइट कोविड 19 सिचुएशन के अंदर दोस्तों कितने सारे लोगों की नौकरियां चली गई और उससे अधिकतर लोग कौन से थे जो लोग 30 साल से कम उम्र के राइट मैं चाहूंगा दोस्तों ऐसे सिचुएशन किसी के भी पास ना है लेकिन दोस्तों अभी क्या हो रहा है अभी एआर आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है राइट आज दोस्तों मैं और आप जो काम कर रहे हैं आने वाले कुछ सालों के बाद शायद हमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि रोबोट्स आ जाएंगे राइट दोस्तों अभी बोला जाता है कि बाय द ईयर ऑफ 2030 कितने सारे रोबोट्स ऐसे आ जाएंगे जिनके कारण कितने लोगों की जॉब चली जाएगी एक मैं बात बताऊं दोस्तों अगर शायद मैं अगर ये बिजनेस को बिल्ड नहीं कर रहा मैं कहीं और जाकर के अपने करियर को बना रहा हूं और दोस्तों मैं अपनी लाइफ को बहुत ही सेट कर दूंगा मैं बहुत ही अच्छी इनकम बना रहा हूं मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है मेरे घर में ईएमआई चल रहे हैं मैं कोई नई गाड़ी लेकर के आ गया नया घर लेकर के आ गया और तुरंत ही मार्केट में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जिनके कारण शायद मेरे काम को कुछ दिक्कत आ सकती है तो दोस्तों जब मैं अपनी लाइफ को सेट करके बैठा रहूंगा तब जाकर के अगर कुछ चीज मार्केट में नई इन्वेंट हो गई कुछ नई चीज आ गई उसके बाद क्या राइट तो दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे मैं अगर मैं डैडी मम्मी की इनकम को देखता हूँ दोस्तों कोविड 19 सिचुएशन में बॉस हम लोग घर पे बैठे बैठे ऊपर शर्ट ऊपर ब्लेजर नीचे तो आपको देखने की जरूरत है नहीं राइट तो हम लोग ऊपर से ब्लेजर पहन के आज आपके सामने खड़े लास्ट एक महीने से दोस्तों डैडी ने जैसे बताया मार्च से हम लोग घर के अंदर मैं डैडी मम्मी की इनकम को देख रहा हूँ ट्रस्ट मी गाइस लॉकडाउन से पहले डैडी मम्मी की जो इनकम थी शायद उसमें बढ़ोतरी हुई दोस्तों घर में बैठे बैठे इससे सेफ बिजनेस और क्या हो सकता है दोस्तों आज के लिए नहीं लेकिन आने वाले कल के लिए भी अगर माइंड में कुछ फियर है तो फियर के लिए भी आप बिजनेस बिल्ड कर सकते हो और ड्रीम के लिए भी कर सकते हो मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों जैसे मन्नत ने बताया कि हम लोग टेक से भी हमारे हाथ में मोबाइल है हर एप्लीकेशन है इंस्टाग्राम है फेसबुक है दोस्तों आज हमारे ग्लोबल सीईओ मिस्टर मिलिंद पंत उनका कोई भी वीडियो रहता है उनका कोई भी टॉक रहता है उसमें एक चीज तो आपको सुनाई देती ही देती है सोशल सेलिंग एंड इंस्टाग्राम दोस्तों शायद डैडी और डैडी जैसे जितने भी उम्र के लोग आज मार्केट में उनको इंस्टाग्राम समझने के लिए उसको टाइम लगेगा उनको ये टेक्नोलॉजी को समझने के लिए लेकिन दोस्तों हम तो उठते बैठते जागते हमारा हर ये अंगूठा दोस्तों हर एक ऐप पे घूमता रहता है दोस्तों वही एप्लीकेशन से आज हम लोग पैसे बना सकते वही एप्लीकेशन से हम लोगों के ज्वाइनिंग्स ला सकते वही एप्लीकेशन से हम लोग क्लाइंट्स बना सकते और दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे हम लोग ये लॉकडाउन में ऐसे एप्लीकेशन को यूज करके भी जॉइनिंग्स लेकर के आ रहे हैं क्लाइंट्स को बड़ा कर रहे हैं तो गाइस दिस इज द राइट टाइम दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी और बेस्ट पार्ट ये है दोस्तों एज अ यंगस्टर जब हम लोग मार्केट में एमबीए को लेकर के जाएंगे दोस्तों एमबीए का नाम अभी मार्केट में बहुत ही अच्छे रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है कोई भी ऐसा नहीं बोलता क्या ये एमबीए क्या है राइट लोगों को पता है एमबीए इज अ ह्यूज सेटअप प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स वंडरफुल है यहाँ पे आपके पते आज दोस्तों कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग दोस्तों एमबीए के थ्रू यहाँ पे इकट्ठा हुए हमारे साथ दोस्तों एमबीए का स्टाफ जब काम करता है तब ऑलवेज ये लगता है कि वो एमबीए के लिए नहीं एमबीए स्पेशली हमारे लिए काम करता है राइट जैसे कि अर्जित सर हो गए संजीव सर हो गए राइट ये जब भी दोस्तों ऑलवेज वो हमारे एलओएस को देखते हैं हमारे ग्रुप को वो देखते हैं तो ऑलवेज दोस्तों उनका फीडबैक हमारी टीम को बड़ा करने के लिए होता है दोस्तों ना ही हमको उनको कुछ पेमेंट देते हैं ना ही हमको कुछ उनको कुछ और एक्स्ट्रा हमारे और से उनके पास जाता है लेकिन फिर भी वो हमारे बिजनेस को देखते हैं ये परफेक्ट साइकिल जहाँ पे आप खुद की एक एंटरप्रेन्योरशिप खुद का प्लेटफॉर्म खड़ा कर पाए दिस इज अ परफेक्ट सेटअप परफेक्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप खुद का बिजनेस बड़ा कर सकते हो और अपने टर्म्स पे जिंदगी को बना सकते हो डिसीजन दोस्तों आपका रहेगा एक ही चीज बताना चाहता हूँ अगर ये नहीं तो और क्या और हमारे बिजनेस के लिए हम नहीं तो और कौन राइट सो थैंक यू सो मच एंड बैक टू अर्जित सर थैंक यू सो मच मंथन दैट वाज अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन ट्रस्ट मी एंड जैसे आपने बताया You know, we are not reinventing the wheel by you know working on social media, but that's the thing to work if you want to move the business to the next level. And it's great the way you are building it up. So thank you so much to all our speakers here today. So Executive Pilia,
diamonds, Ranveer and Prasila saying, and also Meenakshi ma'am, EDC Executive Diamond Meenakshi ma'am. Also, founder Platinum Manthan Patelia and Platinum Mannat Singh. So, thank you so much for joining us. And I would really like to thank हमारे सभी दर्शकों को, जैसे मैं बता रहा था कि करीब 5000 से ज्यादा लोग आज ज्वाइन किए हैं थ्रू यूट्यूब एंड थ्रू जूम. दैट्स एन अमेजिंग रिस्पॉन्स. ट्रस्ट मी, हमने पहले सोचा था कि हम इसे सिर्फ जूम में रखेंगे बिकॉज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिर्फ 1000 लोग आएंगे. बट द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट यू गॉट, वी आर रियली थैंकफुल टू यू फॉर दिस. वेल, इस सिलसिले को हम जारी रखते रहेंगे. स्टूडियो आउटलुक, आपका दृष्टिकोण ये चालू रहेगा, ये इसको हम कंटिन्यू करेंगे. ये हमारा पहला एपिसोड था जहां पे हमने आपके सामने जो लाया नेक्स्ट जनरेशन के बारे में. हमारी अगली एपिसोड जो आएगी वो रहेगी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर. हम बात करेंगे कि कुछ महिलाएं जो किचन के साथ साथ घर के बाहर भी निकल रही है और इस बिजनेस को कितने अच्छे से बिल्ड कर रही है. हमारे बिजनेस में करीबन 60% से ज्यादा महिलाएं हैं जो इस बिजनेस को बिल्ड कर रही है, लोग हैं जो महिलाएं हैं जो इस बिजनेस को बिल्ड करी है बेसिकली. सो हमारा अगला जो एपिसोड रहेगा वो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए. सो लॉग इन कीजिएगा डेफिनेटली ऑन द 8th of August फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड ऑन द स्टूडियो, ऑन द स्टूडियो, बेसिकली स्टूडियो आउटलुक, आपका दृष्टिकोण. आज मैं आपसे यहाँ से अलविदा कहूंगा. आज मेरे साथ है अलॉन्ग विथ माई को होस्ट. सो दिस इज योर होस्ट अरिजीत एंड Manish, absolutely signing off for today. You have a wonderful evening ahead. Good night. Take care. Thank you so much. If you feel you have something to give, if you feel that your particular talent is worth developing. Thank you, Arijit. Thank you, Manish. I think we had a great session today. Excellent, man. That was phenomenal. Thank you so much for inviting us. Thank you. Then there's nothing you can't achieve. Stop wasting valuable time. If you want something, you have got to be relentless. You've got to learn how to become resourceful. You've got to learn how to become creative.